भाई मैं फेल हो गया, टीचर ने ना मम्मी से बात करने बोला है। तू करेगा? मैं नहीं करता। तू मेरी चॉकलेट भी ले लेना प्लीज। अच्छा हाँ। चल हेलो आंजी। हाँ जी प्यारी पिना सर, मैं स्माइली बोल रहा। वो जो पूरी तरह फेल नहीं हुआ सर जी, मेरी मम्मी ने गल करो सर जी। हाँ जी। हेलो जी, क्या फिर से फेल हो गया? अरे कोई बात नहीं जी, अगले साल पास हो जाएगा। अरे पंजाबी आधा मुंडा है जी, अगर फेल हो भी गया तो क्या हुआ, प्लॉट बेच के एल्बम बनवा लेंगे। हाँ जी रख दिया जी। अरे तो तैयार नहीं हो अब तक? राम राम लक्ष्मण सब तैयार हो गए। मैं नहीं बन रहा सीता, कितनी बार कह चुका हूँ हनुमान बना दो राम बना दो, पर तू तो सीता भी अटके हुए हो। इसका सीता बना दो ना। है? पंजाबी सीता? ओ ना 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 ना, ओए तू लड़की की आवाज अच्छी निकाल लेता है, मेरे को नहीं आती। ऐसा मत बोल यार, बस इस बार बन जा, आखिरी बार। पक्का? राम कसम। मैं नहीं बन रहा सीता, अरे बचपन से बनता आ रहा हूँ। अरे ऐसो मत बोल, लास्ट टाइम बन जा सीता, अगली बार से बिना सीता के रामलीला कर लेंगे हम। ले बिल्कुल नहीं, जामवन नील जटायु हिरण बना दो, सीता ना बनूंगा। भैया माता सीता तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओ लोग तुझे देखने नहीं तेरी आवाज सुनने आते हैं। और जी ये 2151 का इनाम मिलता है ना तुझे, वो जब तक तू सीता बनता रहेगा तब तक ही मिलेगा, उसके बाद बन, समझा? बनेगा सीते माते, सीते माते। मम्मी सीता मैया कब आएंगी? आएंगी आएंगी। ले ले इसे जटाई को पहना दे, उसको बना दे सीता। अरे रुक, इधर ले आओ। बनेगा जब तक नौकरी नहीं मिलती बन जाऊंगा। ये ले सीते माते। प्रभु सीता मैया आ गई। प्रभु प्रभु आए हैं। जगजीत जी, जगजीत जी। हाँ बोलो, काका लेओगे? अगरबत्ती कंडा मटका चंदन की खपच्चियाँ। किस्त? किस्त? बहुत ही निकम्मे आदमी हो यार, मरने की सामग्री भी किस्तों पे मांग रहे हो। बैंक की किस्त? कौन से बैंक की किस्त? लोन लिया है बाकी किस्त? हमने तो 6 बैंकन से लोन लाओ है। जहाँ 3 महीने की किस्त ना भरी वो किस्त? हमने तो 3 की नहीं भरी। जहाँ तुम्हारा घर गिरवी रखो है। तो ऐसो बोलो ना मिथिलेश जी। तो कैसे बोलूं? सुनो अगर जामिना बैंक की किस्त ना भरी ना तो बैंक भाई तुम्हें घर बेच देंगे। अच्छा मिथिलेश, ऐसो करो परसों आ जाओ। परसों? हाँ परसों। ठीक है। हाँ परसों तो संडे है। अरे अब की बार संडे परसों पड़ गो, ऐसा कैसे होगा यार। अच्छा तो ऐसो करो तुम मंडे आ जाओ। पक्को? पक्का। और कहो तो घर के लिए कुछ बांध दूं। ऐसे कह रहे हो जैसे जलेबी की दुकान कर रखी है। राधे राधे, आशीर्वाद ले सीता मैया से। पहले दिन है आज इसके स्कूल का। आयुष्मान भव। प्रणाम सीता मैया। बताओ बेटा इतना अच्छा बाप ऐसा। ए मिथिलेश स्कूटर ध्यान से चलाइयो, ऐसा ना हो जाए कि हम इधर किस्तें लेके बैठे और तुम किस्तों में बट जाओ। हेलो तुम्हारा सुप्रभात सीता मैया। जे लो 11,500 मोबाइल ले लो। तुम्हारी अम्मा ने कितने व्रत उपवास करके एक लड़का पैदा करो और तुम लड़की बने स्वांग रचाते फिर रहे हैं। रामलीला में सीता बन जाते हो, किशन लीला में राधा हो जाते हो। नल नील जामवंत जटायु विभीषण बनके 1100 रुपया लाते तो कलेजे को ठंडक पहुंचती। तो भाई अम्मा पता नहीं कहाँ कहती। अम्मा भी तो लड़की थी ना पापा। पर तुम तो लड़का हो और तुम्हें मालूम नहीं है हम पे कितना लोन है। ये घर लोन पे है, दुकान लोन पे, हमको तो लोन पे। आप भी तो ब्लड बैंक छोड़कर हर एक बैंक से लोन ले रखो। हमें लोन लेवे को बेटा शौक थोड़े पड़ो है कि खाली बैठे के चलो लोन ही ले लें। नौकरी लगे तो लोन उतरे। हाँ कर रहे ट्राई। अब इतिहास पढ़ के इंटरव्यू देने की कोई एड्रेस पूछता इंटरव्यू दे डालता हूँ। आज रिजल्ट आने वाला है, मिल जाएगी नौकरी। मिल जाए तो ही अच्छा है बेटा। और सुनो
मौत होके जाइयो। सीता मैया बार बार फेल होती, अच्छी नहीं लगे। आगे जाके उतर जाओ। अरे करम भैया, इंटरव्यू देवे गए थे, कहा मिल गई नौकरी? हाँ, व्हाइट हाउस में ट्रंप लग गया, वही घुमा ले। मतलब फिर ना मिली? इकट देना। गोकुल बत्रा फटाफट जल्दी आओ। हाँ भैया, आगे टिकट छोटे पैसे निकाल लो भाई। आप बैठ जाइए। नहीं नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं तो घर पे वैसे ही बैठे रहता हूँ। बैठिए। जी धन्यवाद भैया। तुम्हारी कितनी टिकट है? 70,000 प्रति महीना। इन लोगों ने सरकारी बस का टक्कर मचा रखा है। और ड्राइवर बस रोकियो। अरे काहे को, सैलरी मिलने से पहले कट गया। भैया जी, जो 39-40 कहाँ पड़ेगा? अरे है या या नीचे नीचे, हाँ नीचे आओ। आ रहे, आ जा। चले भैया, फटाफट ठीक कर दे। इसको ठीक करने के 70,000 रुपए? 70,000? अरे तो ठीक है ना, आकर ले जाओ ना कैश। हाँ, और सुनो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना गुंजन, ठीक है? ओके ओके। हाँ भैया, हो गया इन्वर्टर ठीक? भाई जी, ये ठीक करने के 70,000 रुपए मांग रहा। 2 मिनट के लिए बाथरूम क्या गए? महंगाई इतनी बढ़ गई। सर जी नहीं जी, टोटू इन्वर्टर ठीक करने वाला नहीं है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू? जी सर। भाई तेरे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। सर मैं मिडिल क्लास होते हुए फर्स्ट क्लास हूँ सर। सर मैंने एमए कर रखी है सर, ऊपर से बीए भी, एमफिल सब कर रखा है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, प्लीज सर। सर मैं क्रोशे का काम भी जानता हूँ, स्वेटर और नाश्ता और मोर बना सकता हूँ सर। माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखें। माँ बनने का जॉब का? ए भैया, हमको यहाँ कोई मोर वोर नहीं नचवाना है। आप जाओ यहाँ से, लो पकड़ो। प्लीज सर। अरे ये तो गली पड़ रहा है भाई। सर मैं करूँगा। अरे बोल दिया ना, चलो नौकरी। सर मैं करूँगा। अरे बोल दिया नौकरी। अरे बोल दिया, मैं सब करूँगा। तुम्हारे लायक कोई काम है ही नहीं यहाँ। वो भी मेरे लायक, मैं करूँगा सर। सर मैं करूँगा सर, ठीक सर। चल सर, बाथरूम में कौन सी जॉब है सर? चला आज, चल चल, हम तुमको दिखाते हैं। देख देख, बढ़िया से देख। लड़की नहीं चाहिए सर, नौकरी चाहिए। अबे हम तुमको लड़की नहीं दिखा रहे हैं, तो इधर आओ। आइए सर, ध्यान से सुन, ध्यान से। हाय बेबी, कैसे हो? बहुत धन्यवाद याद आई। ये मीठी मीठी बातें, दोस्ती, लव कॉल्स, फ्रेंडशिप कॉल सेंटर आइए। हाँ बाबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कल फोन करोगे ना मुझे? मिलूंगी जानू, जरूर मिलूंगी तुमसे। जम्मी पप्पी तक तो ठीक है, देखो ऐसे बदतमीजी से मुझसे बात मत कहो, समझे? क्या बात कर रहे हैं सर? बिजली की दुकान बाहर और झटके अंदर, समझ गया ना? हाँ, चल निकल निकल चल। सर सर, क्या है? सर पूजा आज फिर से ऑफिस नहीं आई है, उसके कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा है। तो हम बात करें, किसी और को ट्रांसफर करो। अरे सर, वो उसका रेगुलर कस्टमर है, वो मुझसे ही बात नहीं कर रहा तो किसी और से क्या बात करेगा। तू जा बहन, पूजा का कुछ करना पड़ेगा, बहुत छुट्टी मारती है। मैं पूजा बोल रही हूँ, क्या हुआ? आवाज अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करना बातें, और भी अच्छी लगेंगी मेरे इमरान हाशमी। वाह भैया वाह, कस्टमर का 3,000 का बिल बना दिया। बहुत अद्भुत कला है भैया तुम्हारे अंदर। बस घमंड नहीं है यार, तुम लड़कियों की कमाल आवाज निकाल लेते हो। है? कैसे करते हो? हो जाता है सर। जे क्या है? एडवांस।
तुम्हारी जॉब पक्की पूजा बेबी। हमारी जॉब सर पूजा बेबी। हम सर थैंक यू सर। सर घर के सारे लोड उतर जाएंगे सर। पढ़ तो ले सर। 15-17 साल पढ़ लिया, कुछ काम ना आया, अब सिर्फ लिखूंगा सर। राधे राधे। राधे भैया पान कम खाया करो। कल से काम पे आ जाना। आ जाएंगे सर। कितनी अच्छी हिदायत दे गया तुम्हें। मुंह बंद कर। क्या ची? अबे तू अंदर आना। अबे जल्दी आना साले। कल रामलीला में क्यों ना आओ भाई? ड्राई डे था ना आज। कल रात इतनी बिकी इतनी बिकी भाई, अपनी बोतलें देनी पड़ी। दूध पी के सोया था भाई। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डिलीवरी बंद है, दुकान से ले जाके। हाँ भी क्या स्पीड है? क्या ची? क्या हुआ अंकल? चल चल निकाल। ड्राई डे वाले दिन दारू मांगते हो, शर्म नहीं आती? कितनी बारी कही है ड्राई डे के दिन दुकान ना खोला करे। तुझे समझ कोई ना आए? फाइन निकाल फाइन। दुकान तो बंद है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड क्या कर रही है यहाँ पे? मजबूरी अंकल, उसके घर जा नहीं सकते। मेरे घर गद्दा नहीं, बताओ क्या करूँ? प्लीज समझो ना। जानू कौन है? पुलिस बेबी। हाँ होटल में रेट पड़ती थी, यहाँ भी बढ़ गए। एक तो मेरे ब्लाउज का हुक नहीं बंद हो रहा। हाँ मैं बंद करता हूँ करता हूँ। देखा सर देखा? अरे कुछ ना दिखा है। अच्छा ले काम कर। तू गद्दा वद्दा क्यों नहीं खरीद लेता है? मैं खरीद लूंगा दिवाली पे। खरीद लियो। चल चल चल। अरे खुल लेनी चाहिए। हाँ भाई तेरी बात ने फिर बचा लिया। भाई मैंने बचा रहे हो यार। कौन बड़ा मूड में लग रहे हैं? भाई की नौकरी लगी है फरीदाबाद में। ड्राई डे वाले दिन ना झूठ नहीं बोलते, ना शेडी की बद्दुआ लगेगी। मत क्या करे से? जे देख 25,000 एडवांस। क्या बात है, यहाँ तक भी आज तेरा भाई बुलाएगा। अरे अंकल आ गए आप। एक दिन बाहर का चला गया, तू इतने पाप की दुकान खोल के बैठ गयो। अंकल बस एंजॉय कर रहे थे। अरे जे एंजॉय नहीं, अय्याशी। अंकल अय्याशी कर रहे होते तो इस बोतल की जगह किसी रशियन पे लात मारी होती आपने। और एंजॉय तो अंकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई की नौकरी लगी है। रात की तेरी उतरी ना हो ना तो अपने मुंह पे तेजाब छिड़क ले। जे सही बोल रहा बाबा, जॉब लग गई है भाई। सुन लो ये देखो 25,000 एडवांस। आशीर्वाद दियो। राधे राधे जी तेरा। राधे राधे। 25,000 एडवांस? इतो एडवांस कौन सी कंपनी में मिला था? यार ये 2500 कमाने वाले को 25,000 दे दो ना, ऐसे बौखला आ जाता है। अरे तू चुप है जा। अच्छा ना कौन सी कंपनी में? कॉल सेंटर। कॉलगेट कंपनी में लग गई। राधे राधे बाबा बहुत अच्छा होगा भैया। हम आओ लोन भी उतर जाओगे और मंजन फ्री। लाइफ में दो ही प्रॉब्लम है तुम्हारी पापा। क्या बेटा? एक लोन एक अलोन। एक तुम्हारा इंटरेस्ट घटानो है एक बढ़ानो है। अच्छी लड़की देखे शादी करा दे तुम्हारी। पागल हो रहा हो? अब जो तुम्हारी उम्र है शादी कराए। उम्र ही कहाँ है, सरकारी छुट्टियां निकाल दियो। 26 के लगोगे? ओ भाई पापा से ना प्यार करते हैं, गुमराह नहीं करते। क्यों अंकल सही कह रहा हूँ? अरे तू चुप है जा। लव यू। हाँ बेटा जाते थे क्या ठाकुर के घर से आए होगा? अंकल जी चाय वाय का सीन है कोई? अरे तू चुप है जा। वो गिलती बुला दी। 5,000 जेरो सामान 2,250। बटुआ घर पे भूल गए? पेटीएम कर दियो। पेटीएम कैसे होता है? बड़े बोले हो भाई, मार्केट में 2,000 का नोट आया पता है? इतने ही बोले नियम। हेलो हाँ आ रहे आ रहे। कपूर डाल दिया जे लो 20 रुपया। कपूर तो सस्तो, हर कपूर इन भी नहीं होता भाई। 2,270 टोटल। सामान बहुत ज्यादा है, घर पहुंचाने में सहायता कर दियो, पैसे वहीं ले लियो। भैया दादाजी। धीरे भाई दादाजी। हम तो सामान देने आए हैं। अच्छा अच्छा चलिए। दीपक जे पैसे ले।
अरे हरी, जामे मिर्च ना है और दाल थोड़ी। छे भगवान से दो दिन छुट्टी को है। जटा कुराई ना, जानता हो? नहीं, उनके पति खर्च हो गए, जानती हैं? हाँ जानती हैं, पर ठाकुर जी की उम्र 95 है गई थी। जय हमारे ज्यादा रोना धोना नहीं कर रही। क्यों? मैं क्यों ना जाऊं? मैं नहीं मानती, तुम रहने दियो बुआ। दादी जी का बोल रही है बुआ? मैं जा रही हूँ घाट में, बता रही हूँ आपको। मैं नहीं सुन रही कुछ, मैं आ रही हूँ नीचे। अरे माही बिटिया, अरे रुको। नाम क्या है जी? महिंदर। लड़की के हिसाब से ज्यादा मर्दाना नाम ना है। नहीं, हमारा नाम महिंदर है, बाको नाम तो माही है। माही शादी हो गई? जी नहीं, बाल ब्रह्मचारी। लड़की बाल ब्रह्मचारी है? लड़की नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, वो तो कॉलेज में है। पेटीएम का तुझे पता नहीं, हर औरत का हिसाब रखता है तू। जी वो तो इसलिए कि जी हमारी दादी है और वो हमारी छोटी बहन माही। पैसे? हाँ, दीपक का रहेगा। एक मिनट। जे का बात है, हमेशा दादाजी मेरे साथ रहे हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर जगह मुझे छोड़ने आए, तो आज उनकी अंतिम यात्रा मैं उनके साथ घाट तक क्यों ना जाऊं? ये बात ठीक ना है बेटी, औरतें हमेशा मर्दों के पीछे ही रही हैं, और यही मैं उनकी भलाई है। जे का बात बोलती पूनम चाची, जे गोकुल है या राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, और सीता का राम से पहले। औरतें हमेशा मर्द से आगे रही, इतिहास गवाह। आप कौन? अरे हमारी छोड़िए, कंटिन्यू कीजिए, बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। जाओ दादी को साथ लेके जाओ, ये भी तो औरत है। दादी को कुछ हो गया कल, भगवान ना करे, लेकिन करेगा जरूर। ये आंगन में गाड़ दोगे क्या उन्हें? इस हुक्के के नीचे घाट ना जाएंगी ये? क्यों दादी? तू को है रे, वहां इतनी जल्दी मार रहे हो है? करमवीर, गोकुल मंदिर के सामने मकान नंबर 865/1। चाची घाट जरूर जाना, हर औरत मटकी में जाती छीन लगती। पैसे दे दो हमारे। हाँ जे लो, पूरे हैं। राधे राधे। आज तुम्हारी मम्मी होती तो कितनी खुश होती कि बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। जे जे देखो, जे तो हमें माल नहीं है। अरे जे तो ड्रीम गर्ल है हमारी, मम्मी जे हैं। मम्मी की जय जय कर लो। हाँ मम्मी बहुत खुश होती है आज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वरना आज के लौंडे करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। रामकोर पापा लेट हो रहे हैं। अच्छा बेटा, बट सुन एक बात बताओ, जे नाइट ड्यूटी क्यों? जब रात भर कोलगेट बनाएंगे तभी तो लोग सुबह उठ के मंजन कर पाएंगे। ये भी ना सोची हमने। तेरे सगुर के 101। आज पहली रात है पूजा बीवी, ऑल द बेस्ट। जो भी कॉल आएगा ना वो ट्रांसफर करेगी, ठीक है? राधे राधे। हेलो, वो फोन लग गया। मैं पूजा बोल रही हूँ, आप कौन? हाँ देव बोल रहा हूँ। पूजा बेबी आ रही हो क्या? हम तीन लोग हैं। तूने अपनी बाप की आरती को कंधा देना चौथा बुला के, फोन रख। वो क्या कर रहा है? कस्टमर के ऊपर चिल्ला क्यों रहा है? कस्टमर भगवान होता है, भगवान। कौन सा भगवान रात को 2 बजे लड़की बुलाता है? उनका बिल बढ़ाना है, अपना पीपी नहीं, समझी? समझ गया। हेलो, तुसी पूजा जी बोल रहे हो? हाँ जी, तुआड़ी अपनी पूजा, तुसी कौन बोल रहे हो? मैं गुरभजन सिंह बोल रहा जी। गुरबू, तुसी चंगी हो ना जी? हाँ नंगी। हाँ नंगी ने जी, चंगी चंगी। हाँ जी मैं चंगी हूँ। हेलो पूजा जी बोल रहे हैं क्या? क्या सही पकड़ा आपने, आप जी चुके मेरी स्मूचे। मेरी ना गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन लेते हो? ऐसा बहुत है मेरे पास, पर मेरी शादी नहीं हो रही है। उम्र कितनी है? स्वीट 70। अब तुम शादी मत करो, बस करो और हरिद्वार निकलो। हाँ जी, कौन बोलत रही? हम तुहार पूजा बोलत रही। अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत ही मीठी है। थैंक यू। मुझे ना तुमसे बात करके तुम्हारे साथ वो करने का मन करता है। वो क्या? अरे वही। अबे जिसे तू ताजमहल समझ रहा ना, वो भी कुतुब मीनार है, समझा तू? फोन रख।
अच्छा हाय मैं पूजा बोल रही हूँ. हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ. मैं पूजा बोल रही हूँ. हाय मैं पूजा बोल रही हूँ. हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ. अरे तू पूजा ना है. पूजा ने फोन दे की रखी है. अरे तने किस तरीयो पता. इधर तक मैं ला रही से. अच्छा बड़ी स्मार्ट है छोरी. है चल कोई नहीं आज से तेरे से मजे ले लेंगे. अरे रुक रुक रुक. अरे यार मम्मी क्यों बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हो. बिजी हूँ. ये पे एक और बार फोन किया ना तो फोन ऑफ कर दूंगा. हाँ हेलो. मुझसे भी कोई इम्पोर्टेंट है लाइफ में. अरे कोई नहीं मम्मी का फोन था. यू भी मतलब डिस्टर्ब करती रहती है. हो सकता है कोई जरूरी काम हो. अरे कोई जरूरी काम ना है उसने. सारी मम्मी ऐसी होती है. तेरी मम्मी भी ऐसी होगी. देख मेरी माँ ना है जैसे मेरे से बात कर रहा है ना उतने ही प्यार से अपनी माँ से भी क्या करो. मम्मी की आवाज तेरी तरी मीठी ना है ना. क्या करूं पागल हो तुम. पागल तो हूँ. चल फोन रखो. ओके इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का. अच्छा नॉटी गर्ल है. भाई आज लाइफ तो फ्लिप हो गई होगी. है कैसी थी फर्स्ट नाइट. साले सुहाग रात पे नहीं गया था ड्यूटी पे गया था. अबे जिस तरह की तेरी जॉब है मूड तो वैसे ही होगा ना. है उस तरह के कॉल नहीं आए होंगे. अबे साले 10-12 हराम खोरों के तो आए थे लेकिन उसके बाद जो कॉल आया ना भाई मैं हैरान है. वो दुनिया में लोग बहुत ही अकेले हैं. दोस्त ना है किसी का लाइफ में. और कुछ लोग तो इतने अकेले हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ उनका अकेला बनी है. करेक्ट है भाई. पर ये साले ठुल्ले भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते. इतनी रात में सैर सपाटा. कहाँ से आ रहे हो बंटी बबलू. जॉब से आ रहे हैं. पी रखी है. नहीं तो. अरे हमने पी रखी है. चौक तक छोड़ दियो. ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है सर. तो गुरप्रीत जी और ठीक बैठो आप. हर सरदार का नाम गुरप्रीत हरप्रीत नहीं होता. स्माइली नाम है मेरा. आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आगे टायर पे बैठ जाओ. मैं ना जी टायर पे क्यों बैठोगे जी. थोड़ी देर की बात है. चौक पे उतर जाएंगे. हैं जी भाई जवाहर तब तक तू एक जाहिरी सुन. वाह जी. जाने वाले को किसने रोका. प्यार में दर्द तकलीफ और धोखा है. लाइफ की डीटीसी में धक्का मुक्की है. अब बावड़े उतर जाए यहीं अभी मौका है. उतार दे भाई. मन्ना यही उतार दे. आपका अभी चौक तो आया नहीं. अरे दारू के चक्कर में भूल ही गया. मेरा घर तो नवड्डा की तरफ है. तभी मैं कहूँ रोक भाई रोक. तू पीछे हम होए दे. अरे जवाहर बेटा टाइम पे मत आ जाइए कल. पहले पहुंच तो जाऊं. बस बस बस. बहुत बढ़िया शायरी है आपकी. दर्द बहुत है उसके अंदर. बेटा जब शादी हो जाना तो बीवी का दर्द शायरी बन का फूटता. इसी बात पे एक और. नहीं नहीं अजी जल्दी में थोड़ा सा. अरे तो वाह भाई कर दे. शायरी तो तुझे पता मारी. वाह वाह. अच्छा जी तेरी तलाश में हम कहां कहां से गुजरे. रे इतनी रात में हाथ देखूंगा तेरा मैं. हाथ ना ऊपर की कमाई. रे बावड़ी वो शायर के हाथ है. शायरी करते हैं गलत काम नहीं करते. नई शायरी सुनती हूँ. चुप करो तुम. तुम्हेशा एक हाथ है. तुम्हारी दो कौड़ी की घटिया शायरी से जिंदगी ना सुधरने वाली. सामने वाले कांस्टेबल ने सेकंड हैंड ओमनी ले लिया और तुम लिफ्ट लेके चले आते हो. फिर भी क्या हो तुम. है कभी देखा था ना मुझे पीते हुए. अच्छा बच्चे सो गए दोनों. दोनों. अरे एक ही बच्चा है हमारा. फिर तो पी के आया हूंगा. चल गरम कर के. रे खाना गरम कर दे. बाबू तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे. हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं. तुम दारू पी क्यों. मैं खाना गरम करूँ. मतलब तू के चावे. दारू भी तू ही पिएगी. चुप कर. जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुमसे शादी करके. बड़े बड़े घर घर में भाई. खाने में सफेद बाल.
भाई जब सफेद बालों वाला आदमी बनाएगा तो सफेद बाल ही निकलेंगे ना। पता नहीं खाने में काला बाल कब नसीब होगा। काले बालों से याद आओ शादी की लड़की देखी है। अच्छा नहीं नहीं बेटा तो कितनी बार कही मैं नहीं करूंगा शादी। अंकल अपने लिए देखी है। अच्छा बेटा कौन है कहाँ के परिवार? गिन के टोटल तीन ही लोग हैं पापा। सबसे पुरानी दादी, पुरानी दिल्ली से भी 6 दिन पुरानी। इतनी पुरानी? दूसरा है महिंदर, अखंड ब्रह्मचारी बैचलर। उसकी लाइफ में गीता, सुनीता, बबीता, कविता, ललिता जैसी 25 छोरी गाय भैंसे। और तीसरी है आपकी बहू माही, उफ सुंदर, सुशील, 5'4" एमएमए होम साइंस कर रही है। खाना इतना बढ़िया बनाती ना, तुम्हें बना के खवाएगी। चलो अब तो अच्छा खाना मिलेगा। जब हो रहा है पीछे रख दे। नहीं अच्छा है, खा तो रहा हूँ। हाँ बेटा और बताओ। अपने हवेली वाले ठाकुर जी है ना, उन्हीं की फैमिली है। अरे भाई तो बहुत बड़े लोग हैं, हम कौन सा भूखे मर रहे हैं। और क्या अंकल, आप पराठे लेके आओ ना। आटा तो खत्म हो गया बेटा। बेबी 23 को तुम्हारा बर्थडे राइट? मेरी तरफ से तुम्हें डायमंड रिंग। Baby. Bye. I'll miss Bye. you. Bye. See you. Thank you. Good morning. Good morning. Hello, ma'am. क्या हेलो? क्या है? हाँ? कब होगा काम? जी वो मैं. Baby. अरे तुम? Can I have some cash? Yeah, sure. Cash. कमीने. अभी तो तू इसे लिफ्ट में डायमंड रिंग देने की बात कर रहा था. वो रिंग भी इसे इसी के पैसों से दिलाने वाला है क्या? ये गया। क्यों भाई? तू अभी ऑफिस में नया है, इसके 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और इसको मर्दों पर विश्वास ही नहीं रहा। ये सब ना एक नंबर के लीच होते हैं। अरे नहीं नहीं मैम। अब क्यों, प्यार के बदले धोखा ही देना आता है ना तुम लोगों को? वो धोखा हमें क्यों नौकरी पे रखा है? ताकि हमें रोज गाली दे सके। कैश कैरी नहीं करता मैं, ओनली कार्ड्स। अच्छा बेटा कार्ड्स हैं? ये 4 विजिटिंग कार्ड्स और ये चिल्लर। और ये मैगजीन चलाते चलाते पैसा तो बहुत बना लिया, इंग्लिश भी सीख ली, मगर क्लास बिल्कुल 0। तू अपना फोन दिखा मुझे। ले फोन दिखा। मैम इट्स पॉसिबल। ओ दीदी क्या कर रही हो? दीदी क्या बोल रहा है बे? मेरे बच्चों का मामा लगता है तू? मामा तो नहीं हूँ बट। तो फिर कमीने। और ये सब कौन है? बहनें होंगी तेरी? क्यों इन्हें भी डायमंड रिंग लेके देने वाला था क्या? ओ बेबी आई कैन एक्सप्लेन। तुम क्या एक्सप्लेन करोगे जजिन, कौन है ये सब? Baby, I love you. Just shut up. I don't want to see your face. Get out from here. Baby, I love you. Hey. I said get out. Suna na. Chal. Get out. Ungli kya dikha raha hai? Bhai. Kameene. Aur tum log sab khade ho ke kya dekh rahe ho? Tamasha chal raha hai kya? Kameene. Rajpal. Raj Rajpal. Haan ji sir. Rajpal ji. Haan ji. Ke hai yo? Register hai ji. Wo to manne bhi pata hai mama. Yo padhiye zara. Padhiye padhiye. फरीदाबाद निवासी सुनील भारद्वाज पुत्र श्री हरिओम भारद्वाज की बुलेट दिनांक 25 तारीख को छेत्र बाटा चौक से गायब होके दिल तूने कुछ ऐसा कर डाला, ना जी रहा हूँ ना मर रहा हूँ, यो क्या हो गया साला? सर यो शायरी में FRI फेल गया कोई? कोई नहीं, तूने फिर से FIR रजिस्टर में शायरी फेल दी। नहीं कितनी बार मने करिए कि अपने गालिब को ना अपनी थाने के बाहर रख के आया कर, नहीं तो बिना FIR के अंदर कर देना। शाम को इधर 2 ताजा लाइन में। वाह 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 वाह, ठीक कर इसे। साले कानून ने छेड़ रहा, निकाल के बाहर कर दूंगा, भूखा मर जाएगा। छेड़ ना रहा हूं ताऊ, सुबह से देख रहा हूं थारी शायरी कोई ना सुन रहा। तू सुनेगा? सुनूंगा तो मैं भी ना, लेकिन हेल्प कर सकता हूँ। लाओ फोन दो। फोन का क्या करेगा? तो योगे स्पेशल नंबर है ये थारी सुनेगी भी और सुनाएगी भी। अच्छा जी, चाय पिएगा? दारू करा दो।
साले उंगली के पकड़ा ही कंधे पे चढ़ के मुंह उतरा, चाय भी कैंसिल। रे ताऊ, ताऊ, रे ताऊ सुनो तो। हम भी तो देखे हैं किसका नंबर है वो। हेलो, कौन बोल रहा? मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा, कितना सुंदर नाम जी आपका, और आवाज कितनी मीठी है आपकी। मारा छोड़िए तो अपनी बताओ। और ऊपर से हैरान हुई, कहाँ से रोहतक से हो गया? पानीपत। पानीपत, वाह जी वाह। क्या करते हो जी? मैं शायर हूँ जी। शायर नहीं, शायर। दोनों अलग अलग होते हैं क्या जी? तो जी फिर जो आपने बोला वही कुछ सुनाइए ना। सुनेंगी आप? सच्ची? समूची। अजीब, अभी मैंने शाम को लिखी थी दादी दादी। मेरा दर्द करता है रोज शाम से। हाँ। कि दिल कहता है उनसे मिल। हाँ। दिल कहता है उनसे मिल। हाँ। और दिमाग कहता है कि ड्यूटी पे हूँ। वाह वाह, अच्छा, टू गुड, बहुत आला। थैंक यू जी। वैसे आप बोला ना मारे तो मैं भी कुछ फरमाऊं। हाँ? आप भी शायर हो? कभी कभी लिख लेती हूँ। इरशाद? इरशाद नहीं, इरशाद। यो भी अलग अलग होते हैं क्या? Obviously. तो जी जो आपने बोला वही। गौर फरमाइए। जी बताइए। दिल कहता है उनसे मिल। हाँ? दिल कहता है उनसे मिल। हाँ? दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल। हाय 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 हाय, अरे हाय हाय क्या कर रहा है? नहीं मिल रही तेरी बुलेट। सर जी इसकी बुलेट नहीं मिल के तेरी तंग कर रहा, बार बार फोन कर रहा। और दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल। बिजली आतना है, बिल आ जाता है, जल्दी कर दियो। अरे भैया वेबसाइट स्लो है जी, कॉलेज के पास ही तो है, मैं भर दूंगी। हाँ जी ओके, ठीक है, बाय बाय। अरे भाई बिल तो भर जा भाई। क्या कर रहा है, लास्ट डेट है आज। हमें तो लग रहा है फर्स्ट डेट हूँ भाई। अच्छा ए? मकान नंबर 865 बटा एक, गोकुल मंदिर के पास। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम और तुम्हारा वो सरदार दोस्त मेरा पीछा कर रहे हैं, कभी घर कभी रेस्टोरेंट। हेलो, गलत है मत रहो आप, सिर्फ मैं पीछा कर रहा हूँ। वैसे एक लड़का एक लड़की के पीछे हद से ज्यादा ध्यान दे तो उसका मतलब समझती हैं? हाँ, लड़का हद से ज्यादा खाली है। हो सकता है काम धंधे वाला बिजी बंदा हो और ये स्पेशल वन के लिए खाली कर रखा हो। काफी इलायची चाय, कड़क काफी इलायची चाय, चाय देना। अरे चल रहा है, खत्म हो गई। कड़क काफी इलायची चाय। आप चाय कॉफी तो पिएंगी ना? बिल्कुल नहीं। पैसे वेस्ट कराई जा रहे हैं। अगर चाय मांग रहे थे आप? नहीं चाहिए। अरे ले लो ना। अरे नहीं चाहिए। थोड़े कम दे देना। नहीं चाहिए। वैसे एक बात कहें, जिंदगी में पहली बार इतनी लंबी लाइन में खड़े हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं भी एक बात कहूं, तुम बोलते बहुत हो लेकिन अच्छा बोलते हो। रोज दे जी। क्या दोस्ती है? आ लेके दू। आ ना, अपना बिल दे दीजिए। हाँ? बिल वैसे जो आपने समझा वो भी करेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए, 865 बटा एक। पहले कनेक्शन तो एक हो जाए। फोन पूजा को दो, बोलो रोमा का कॉल है। आई प्रॉमिस तुम्हें इस पूजा से बात करके बहुत अच्छा लगेगा। ए, डोंट प्ले स्मार्ट विद मी, ओके? पहली बार कॉल नहीं कर रही हूँ मैं। क्या है, चल। तू जानती नहीं है कौन बोल रही हूँ मैं। बाहर शोर, अंदर खामोशी, यही हो ना तुम? वाह, बातें बहुत सही घुमा लेती हो। तुके में ही सही, यू हिट द राइट स्पॉट। लगता है दिल और ट्रस्ट कई बार टूटा है तुम्हारा। या लॉन्ग स्टोरी, तीन लड़कों ने दिल तोड़ा है मेरा। एक साथ तीन लड़कों के साथ करती क्यों हो? ए, नॉट लाइक दैट, अलग अलग टाइम पे। ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऑल मैन आर डॉग्स। इनफैक्ट मेरा बस चले ना, सबको नंगा करके इन पे बुलडोजर चला दूं मैं।
हाँ बुलडोजर चलवा दो, पर नंगा करने की क्या जरूरत है? सब लड़के ना एक नंबर के होते हैं। हर लड़का ऐसा नहीं होता है दीदी। ए डोंट कॉल मी दीदी, आई डोंट लुक लाइक दीदी। देखो ट्रस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, धोखा लड़कियां भी दे सकती हैं। ओके नॉट रियली, लड़कियां होती हैं यार सेंसिटिव सेंसिबल, एक दूसरे को समझने वाली, यू नो तुम्हारे मेरे जैसी। आज बहुत टाइम बाद किसी से बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। इनफैक्ट तुम और तुम्हारी आवाज दोनों ही इस पूजा से अच्छी हैं। मेरे लिए आज से तुम ही पूजा हो। रिंग हो रही है, रिंग हो रही है। हेलो और सुनाओ जी, पूजा जी कैसी हो? बढ़िया, आप बताइए, कुछ लिखा नहीं आपने? हाँ जी बिल्कुल, ताजा तरीन कल ही लिखा कि जी कैद में है जिंदगी, रे आजाद हो जा, मोहब्बत में चल 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 बर्बाद हो जा, और तेरी सहद सी आवाज को कानों से चख लूं, तुम्हारे इश्क का मीठा स्वाद हो जा। आए, मर गई, हम ज्यादा ही गिर गए। इतना अच्छा लगता है, तलफ्फुज पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? और बाकी भी तो काम होते हैं इश्क के अलावा, उनके बारे में लिखिए ना। जी बिल्कुल, मैं मेरी पूजा की बात कैसे टाल सकती? देखो जी, आप सिर्फ मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो सिर्फ मेरी पूजा। ठरकी सर, मेरी पूजा, मेरी पूजा, पीछे ही पड़ गए। कल से कॉल सेंटर आने की जरूरत नहीं है सर, मैं यही सोच रहा। थैंक यू सर, था वैसे भी लोन ऑलमोस्ट उतर गया है। ये गाड़ी की चाबी है, बाहर खड़ी है, पार्क कर दो, ठीक से लगा देना। पूजा डार्लिंग, नए ऑफिस की बधाई। सर देखा है? अरे हम कॉल सेंटर छोड़ने के लिए थोड़े कह रहे थे। तो आज से एक कार ही तुम्हारा ऑफिस है। हाँ, अब पूजा के चाहने वालों के लिए पूजा 24/7 अवेलेबल। कैसे? डब्बा खोल। स्मार्ट वॉच, कार भी हमारी। थैंक यू सर, वैसे कार की औकात थी नहीं हमारी। अब जाएगा भी ये चाबी लूं। कुंज बिहारी मोहन मुरार। रे जे गाड़ी हमारे घर के सामने किन्ने लगा दी? ऐसो हम तुम्हारी है का? ना सर, हमारी ना है। तुम्हारी तो हो ही नहीं सकती। अब भैया किसकी गाड़ी है? ए बाबा आपकी गाड़ी है। हाँ अपनी गाड़ी जी। बेटा तुमने भी लोन ले लो, कंपनी ने गिफ्ट करी पापा। राधे 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 राधे। ए पूजा, गलत जगह पहुंच लेके डराया ना करो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या? हाँ बेटा पूजा तो करनी है। करूंगी पूजा, इते आओ, बैठो, इते आओ। अच्छा साइड, कुर्ता अंदर का। कैद में है जिंदगी, आजाद हो जा, मोहब्बत में चल बर्बाद हो जा, तेरे शहद सी आवाज को कानों से चख लूं, तो मेरे इश्क का मीठा स्वाद हो जा। क्या बात है, किसने लिखी? मैंने नहीं लिखी। हमारा दोस्त है, शायरी करता है। अच्छी है ना? अच्छी है। उठा लो, छोड़ो, अच्छी डाइव चल रही है। उठा लो, जरूरी हो सकता है। हेलो पूजा। भाई साहब रॉन्ग नंबर। पूजा डार्लिंग, मैं राहुल बोल रहा हूँ। यहाँ कोई पूजा नहीं है, बोला ना रॉन्ग नंबर। हर बार मेरी इसी नंबर पे बात होती है। आपका अबे रख फोन। पता नहीं किस पूजा के नाम पे फोन आते रहते हैं। राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। नई गाड़ी ले ली? बस हेलो, आप पूजा जी बोल रहे हैं ना? पूजा को फोन किया तो डायना पेंटी तो बोलेगी नहीं। पेंटी? डायना पे ध्यान नहीं गया तेरे कुत्ते। कुत्ते तो क्या बोल रहे हैं आप पूजा जी?
दीपक साइड पे हो जाओ। अरे जाइए ना भैया जी, इतना जगह है। आवाज सुनके लगता है तुम काफी हैंडसम हो, मिलना चाहते हो? हमारी बनारस वाली अम्मा है। बनारस वाली अम्मा और शहर में कम्मा है का? सुनाओ तो कोई, सुनाओ। क्या हुआ किशोर, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? इतनी मीठी आवाज अम्मा, कौन अम्मा बोल रही है? अम्मा पूजा, लोग हमें प्यार से पूजा बोलते हैं, आपको मैं प्यार से क्या कहूँ जी? प्यार से कुछ भी, मैं रवि, रफी ना मैं इनका। वाह क्या जोड़ी है, किशोर और रफी। कुछ गा दीजिए ना रफी साहब। जी नहीं मैं गाता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, रफी नाम और ना गाए आप? इम्पॉसिबल। भैया मक्खन की तरह गाते हैं। अब गा दीजिए ना, क्यों इतना भाव खा रहे हैं? कौन सा गाऊं? मधुबन में राधिका नाच रही। जे कौन सा गाना है? पूछ तो ऐसे रहते जैसे सारे गाने कंटेस्ट हो, गा दो कुछ भी। क्या लाभ लिया है? नहीं नहीं सुना दीजिए ना जानू। अब गा रहे हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। अब बुरा ना माने तो आप भी गाओ। हैप्पी बर्थडे टोटो, कैसे हो? ठीक ना हूँ, इब तक केक ना काटा। कितनी बार बोल लिया? मिल मिल मिल, मत मिल तू मुझे, मत मिल। तू मने घुमा रही है क्या? जिद मत करो टोटो, मैं तुमसे कितनी बार कहा तुमसे नहीं मिल सकती, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा, उसके बाद तू मेरे साथ ही रही हो ना, शादी कर लूंगा मैं तेरे से। तुम बहुत छोटे हो। अरे तू शादी तो कर, बड़ा हो जाऊंगा, तू बोल कब मिलेगी? कम ऑन, मैं नहीं मिल सकती। मिलना तो तने पड़ेगा ये पूजा, वरना तू देख मैं क्या करूं। तुमने जो करना है कर लो। साड़ी फोन काटती है, इब तू देख मैं क्या करूं। अरे जोहर, अरे पहुंच गया तू? कद का? अब निकल ही रहा हूं मैं, बस सवारी का इंतजार कर रहा हूं। वेट कर। हाँ आ लिया। अरे तू, अरे अपना ही आदमी है, मतलब हमारी चौपल सवारी से तू इतना परेशान होगा कि हमारे लिपट देने के लिए तूने कार ही खरीद ली है जी? बधाई हो भाई। शुक्रिया, आगे छोड़ दे थोड़ा। बस तुझे देख के अच्छा लगता, याद दिलाता तू किसी की। शादी होगी तेरी? नहीं सर, अभी बस एंगेजमेंट हुई है। आपकी होगी? माथा देख, शादीशुदा औरत के माथे पे सिंदूर होता और मर्द के माथे पे सिकन। सिकन नहीं सर, शिकन। ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? चलो फिर वही। सर शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार करो। ओए होए होए होए, रख के कांटे की बात कह दी तने भाई, इसी बात पर शेर सुन के दिल कहता है उनसे मिल। ये कहता है दिल? कहता है उनसे मिल। मिल, और दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल। कैसा? ये ले, यू आ गया सिकन का फोन। अरे कहाँ तुम? लेट हो जाएगा मन्ने। देख तू बार बार फोन मत ना किया कर मुझे। इतनी बुरी लग रही हूँ मैं तो, तलाक क्यों नहीं देते मन्ने? हाँ हाँ तो मैं भी दे दूंगा तलाक, मुझे भी मिल गई है कोई। अरे जिसने मारी सायरी सुधारी है वही मारी लाइफ भी सुधारेगी। एक बात तो भाई मैंने जान लिया कि शादी उसी से करो जिससे प्यार करो। क्यों भाई? मैं भी अपनी पूजा से शादी करूंगा। अब तू फोन रख रही है कि मैं रख दूं? बाहर में जाओ तुम। ए तो, अरे भाई साइड में ले ले, हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल? अरे यो आजकल के छोरे प्यार करना नहीं जानते, लौंडिया ने मना कर दी मिलने से, नस काट ली बावड़े। बताओ भाई, बस ये केक पे। वाह 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 वाणी, ये नाम बता लौंडे का? टोटो। टोटो
इतने सर पे शादी है, एक ने नस काट ली, एक औरत छोड़ के भाग रो, और एक खुद ही औरत है, लड़का लड़की सभी मेरे पीछे पड़े, समझ ना आ रो, दुल्हा बनू दुल्हन। भाई एक बात बोलूं, ऐसे लहंगे में भी कहर लगेगा तू? बहन के फोड़े, मजाक का मूड ना है, जॉब छोड़ रहा हूं मैं। तो छोड़ देना, लेकिन भाभी जी को बताने की क्या जरूरत है? माही बहुत ही अच्छी लड़की है, हर रिश्ते का ना बेस ट्रस्ट होता है, दिल टूटे को फूटे को पर ट्रस्ट ना तोड़ सकूं उसका मैं। क्या बात है, मतलब क्या बात है भाई, आज तक का ना मेरी लाइफ का हीरो कुकी डिल्लो था। जे को झंडू है, पापा है मेरे, आज से तू भी होगा। को पापा? भाई हीरो यार, भाई जाके सबको कह दे हर मुसीबत में स्माइली तेरे साथ खड़ा, जॉब छोड़ दे पे, बोल दे कॉल सेंटर के मालिक को। हेलो डब्ल्यू जी, अभी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। महिंदर जी, मेरे महिंदर जी, आज मौसम बड़ा बेमान है करम जी। वो सब छोड़, माई का है ऊपर होगी। जी जी जी, एक बात पूछनी है यार, पूछ। आप तो जानते हो कि हमारी जिंदगी में माही और दादी के अलावा कोई और औरत ना है। इसका पूछा नहीं बताना बोलते हैं बे। हाँ वो पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अगर किसी महिला मित्र को मतलब अगर दिल की बात बोलनी तो कैसे बोलेंगे? किस भैंसे में दिलाएगा तुम्हारा? ऐसे भी ना, आओ ना उससे पूछना कि अपना सिंगल बेड हटा के डबल बेड लगवा ले, अगर हाँ बोले तो बात तो, ना बोले तो सिंगल बेड खींच लो उसे, सिंगल बेड पे खींच लो उसे। जिस सारे कस्टमर कहीं फोन कर दे। हे हेलो, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं रफी। गाना नहीं सुनना हमने आज? नहीं नहीं, आज गाना नहीं, दिल की बात सुनाएंगे। दिल की? कहो। भैया जी, हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, चाहने लगे आपको, तो मतलब सोच रहा था कि अपना सिंगल बेड हटा के डबल बेड लगा लूं। हाँ? 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 भैया को क्या हुआ है? नाच क्यों रहे? फिर लॉटरी वोटरी लग गई उनकी? लग गई, सच में लग गई। भैया क्या हुआ है? बड़ा टैलेंटेड लड़का है, तरह तरह की आवाजें निकालता है, और लड़कियों की आवाज तो बहुत ही अच्छी निकालता है। क्यों, लड़कियां अपनी आवाज सही नहीं निकाल रही क्या? लड़का होके लड़की की आवाज निकालना अच्छी बात थोड़े, लेकिन आप कह लग गए इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। अरे जय हो सीता मैया की, आइए आइए। अरे बेटा करम, आपने फोन नहीं उठाया तो हम खुदे चले आए सीता मैया के दर्शन करने के लिए। जगदीश जी, बहुत मन लगाकर काम करता आपका ये कर्मुहा। तुम्हारा प्रोग्राम लाइव आता है पूरे गोकुल में, देखा मैंने, हमको तो मालूम ही नहीं था। जगदीश जी, हमने सोचा क्यों ना हमारे यहाँ जो काम करता है उसको भी लाइव दिखाते हैं, बहुत फेमस हो जाएगा। जी तो बहुत बढ़िया बात है, आजकल में ही दिखा दो फौरन। वो बेटा तो चले। नमस्कार। राधे राधे। ओ हेलो, एक मिनट कम कर यार, थोड़ा काम की बात कर ले दो मिनट। करम भैया, राधे राधे। अरे वाह, तेरी तो बड़ी इज्जत है मोहल्ले में। हैं? सुन, अगर तू काम पर नहीं आया तो पूरे गोकुल में तेरे इतने पोस्टर लगवाऊंगा कि लोग इस पूजा की आरती उतारेंगे। मैं अच्छा हूं तो अच्छा हूं, और बुरा हूं तो और भी अच्छा हूं। राधे श्याम। बजाओ भाई, बहुत बढ़िया बजाते हो, बजाओ बजाओ बजाओ। भाई वो बजा के चला गया ना, अब तुम क्यों बजा रहे हो भाई? क्या बोल के गया वो? तूने बोला था ना बजाओ, छोड़ दे, चाय पिला। पी ले। दिन ही बेकार, बहुत ही शुभ दिन है। लो लो भैया, लो लो लो। अरे बजाओ। लो।
छोड़ना है क्या, तेरी शादी है यार। और देख अंकल कितने खुश है। ओ मिट्टी पा यार, एंजॉय कर लाइफ है। अरे अंकल आओ ना। राधे 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 राधे। बेटा हमने शादी के लिए दो शेरवानी सिलवाई है, अब तुम चूज करो कौन सी पहननी है। दोनों ही पहन लो पापा। हाँ जी भी सही है, एक तुम्हारी शादी के लिए और दूसरी। अंकल मेरा मुंडिया शादी। अरे नास पीटे, तेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी? हाँ बेटा, हमने तुमसे अभी तक बताया नहीं। हमने तुम्हारे लिए एक माँ सुन ली है। सुनी है? देखिए है बोलते अंकल। अरे हमने तो सुनी है ना, और वो तुम्हारे पापा को जिस नाम से पुकारती है वो तो तुमने सुना होगा, राहुल। हेलो पूजा, हमें राहुल बोल रहा हूँ। वाह काफी आवाज डिफरेंट है आपकी। अरे अरे हाँ भैया। अरे भैया इतने आओ, बजाओ बजाओ। आज पहली रात है पूजा दीदी। तुम्हें इतने टाइम से बात कर जाने लगे हम। तो मतलब तुम्हारी आवाज सुनी है, अब तुमसे मिलना है। पूजा, आई लव यू पूजा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुमसे शादी करो। क्या बेटा, ऐसे ही प्रपोज करूंगा तुम्हारी होने वाली मम्मी पूजा को, और पहली मीटिंग में ही ये रिंग पहना दिया। खबरदार उसको कुछ भी पहनाया उतारा तो अब का ना है मेरी ना। पर बेटा तुमने ही तो कही थी कि पापा शादी कर लो। हम ही बोल रहे हैं नहीं हो सकती शादी, मंजूर ना है हमें। बेटा पूजा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ तुमने तो गोद में खिलाया उसे, हो सकता है तुम्हें बाप की नजर से देखती हो। देखो बेटा ये गलत बात है, ठीक है, अपना बाप मान के ना मान उसका बात मत कहियो। और तुम ही नहीं कहते कि हम 26 के लगते हैं। मजाक को मजाक में रहने दिया करो। लड़की ने हंस के बात क्या कर ली, दो मिनट कुछ भी करोगे उसके साथ। नो मीन्स नो। जब हमारी जैकेट को हमारी जैकेट पहन के बैठे हो, बता आ जाओ। माते माते। पुत्र सुबह से कहां थे? माते देखो मैं क्या जीत के लाया। जो भी लाए हो पांचों भाइयों में बांट लो। माँ की आंख भैया की रोशनी चली गई क्या? माँ आप कुंती हैं, गांधारी ना हैं, जो बिना देखे आदेश दे रही हैं। सही कहा आपने। रे उसको छोड़, हमें पकड़। जो माँ ने जो आदेश दे दिया दे दिया। क्यों भाई? आज से द्रौपदी हमारी वाइफ अपॉइंट आ गई। सही कहा, माँ की आज्ञा का पालन हो। पालन हो, पालन हो। खबरदार किसने हाथ लगाया तो? अरे हाथ लगाने नहीं दिल लगाने आए। द्रौपदी हमारी होगी? हमारी होगी। हमारी होगी, मेरी होगी। कभी तो सुना होता सोचा होता क्या इच्छा है द्रौपदी की। माँ ने जुआ खेलने से मना किया था, फिर क्यों नहीं सुनी तुमने अपनी माँ की बात? क्यों सब कुछ हार कर लगा दिया द्रौपदी को दांव पर? द्रौपदी प्लीज। मैं आज अभी वो करम जे कर रहा हूं। एक तो मेरी लाइन डाल ऊपर मार भी रहा जे। अभी को सीन ना है जे, स्क्रिप्ट में बाद में आएगो। आएगो तो ना, कब तक औरतों को उसकी इच्छा के बिना बांटते रहोगे तुम? हम क्या पंजीरी है सालो? महावर के टाइम पे मीटू होता सबसे पहले तुम लोग अंदर जाते। बहु द्रौपदी हट बे। अरे करम रुक, मैं ना कर रहा हूँ कुछ। अरे रुक रुक, मैं ना बन रहा हूँ द्रौपदी। वो करम अबे सुन तो यार, यार मैं तेरे साथ पहली बार नाटक कर रहा हूँ, तू रिहर्सल छोड़ के आ गया। मैं ना कर रहा हूँ जो नाटक। बस बस अरे तुम लोग यहाँ बाहर रिहर्सल नहीं चल रही? अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नया सूप बनाया था, सोचा तुम्हें टेस्ट करा दूँ। कुछ खाने पीने का मूड ना है आज। इतना बुरा भी नहीं बना है।
और क्या हुआ तुम्हारे मूड को? इस स्माइली की वजह से खराब है। मेरी वजह से? हाँ, भूल गया क्या? हाँ, याद दिला याद दिला। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं। हैं? इसके पीछे? हाँ। बे। हाँ हाँ भाभी, एक तो हैंडसम होने ही गुना हो गया, प्यार से 2 मिनट बात क्या कर लूं, पीछे पड़ जाती है। कहाँ ले जाऊं मैं अपने हाउस? बस कर, जी एक लड़की से बहुत प्यार करता है। हाँ। जब 3-4 बीच में जो है ना, इनसे कैसे पीछे छुड़वाया जाए बस। सिंपल है, उन लड़कियों से बात करना छोड़ दो। मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब इसने ट्राई नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है? मिलने की जिद कर रही है अब। हाँ भाभी, प्यार से बात कर लूं ना, ये काट दूंगी वो काट दूंगी ऐसी बातें करती है, कहाँ ले जाऊं मैं अपने। बस कर, क्या करे बेचारा। मुझे नहीं पता, सॉरी। तुम सूप पी के बताओ ना। चाय पी रहा हूँ, नहीं पीना सूप वो प्यार। इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, नहीं पीना मत पियो, प्यार से बात करनी नहीं आती तुम्हें। माही, जो तुम्हें प्यार करता है उससे प्यार से बात नहीं करेगा तो ऐसे ही गुस्सा हो जाएगा, समझा तू? एक एक से गुस्से से बात करनी है ताकि जिससे तुम प्यार करते हो सिर्फ वही तुम्हारी जिंदगी में रहे। अरे जय हो सीता भैया की, हमको मालूम था कि आप आओगी। जाइए, मन लगाकर प्यार से काम कीजिए, जाइए। हाउ आर यू पूजा? मैं तो जवान हूँ, तू अपना सोच बुढ़े, बेटे की उम्र क्यों तेरे, 2 शब्दों के बीच में गर्जन सांस लेने वाले। लेकिन इस राहुल की हर सांस में तुम बसती हो पूजा। और देखो, जहां तक उम्र का सवाल है तो मर्द के सर के बाल वाइट हो सकते हैं लेकिन दिल के नहीं रानी। दिल दिमाग तन बदन में दूध और गोबर भरा है तेरे, जब अकल बढ़ रही थी तो क्या गागा के भैंस दिला रहा था? गाय भैंसन के लिए बहुत गा ले, सोच रहे किसी महिला मित्र के लिए गाए। गुलाबी आंखें जो तेरी, जाना बनकर मुझे, मर्दों और औरतों में सेम दिल होता है और कभी कभी तो मर्दों में भी औरत जैसा दिल होता है। अरे औरत का ही तो दिल है तुम्हारी इस रूमा के पास। तुम्हें पता है जब मैं प्रॉब्लम में थी ना तब तुमने संभाला था मुझे, ऐसा लग रहा है कि आज तुम किसी प्रॉब्लम में हो, अब मैं संभालूंगी तुम्हें। तेरी माँ तुझे संभाल नहीं पाई, माँ दर दर भटक रही है तेरी। तुझ जैसे आशिकों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, नस काटने का नाटक मत कर, तेरे साथ शादी क्या मैं बर्थडे ना मनाऊं? गुस्से में भी थारी आवाज एकदम प्यारी लागे। बात कर, तने टेंशन है? हैं? बीमार मैं हूँ, तकलीफ तने है, के चाहिए तने? तू बोल। बोलना तो तू बंद कर अपनी घटिया शायरी, गजल को गजल, जहाज को जहाज कहने वाले सस्ते गालिब। एक और शेर मारा ना तूने, माँ कसम कुत्ता छोड़ दूंगी तेरे पे। अरे तेरे इश्क ने कुत्ता बना दिया गालिब, और जो यकीन नहीं हो रहा तो भौभो भौभो भौभो। अरे भौभो क्या कर रहा, नहीं मिल रही तेरी बुलेट? सर पीछे पड़ा हुआ, रोज फोन कर दे, मतलब नफरत के चक्कर में और प्यार बढ़ गया। हाँ बढ़ेगा क्यों नहीं, अपनी पूजा आई 3-4 में। भाई सच बोलूं, कई बार मन करता है 2 पैर लगा के मैं फोन कर दूं। फट दे, मैं समझ ना आया रो क्या करूं। कौन है पे? कौन है पे? नमस्ते अंकल, क्या हुआ? अबे आज भी तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ है क्या? या वो अभी तक गद्दा नहीं खरीद पाया अंकल, इसलिए गद्दा ले नहीं पाया। खोल से। अबे अंकल आ रहे हैं वो। मेरी बात, आप अंदर कहाँ घुस रहे हो, आप सुनो तो सही मेरी बात। साले झूठ बोलता है, अरे कहाँ है तेरी गर्लफ्रेंड? अरे सर जी आजकल छोरा छोरा आपस में। ओ हवलदार, क्या बाहर निकलो, अंदर कैसे आ गए? अरे हम जब भी किसी चीज को परमानेंटली बंद करना चाहते हैं तो घर के भीतर घुस के बंद करते हैं, समझे? सर्जिकल स्ट्राइक। लव यू सर। क्या हो गया भाई? सर जी आपकी पप्पी लेने का मन कर रहा है। सर जी मैंने कहा था ना आदमी आदमी आपस में। भाई तू सच में? अरे बंद करो ये सब, चल। क्या गुरु मंत्र दे गया जी आदमी, जब किसी चीज को परमानेंटली बंद करना हो ना अंदर तो घुसना ही पड़ता। जहां घुसना है घुस जाए यार, सारी उतार दी चढ़ी हुई। अरे रख फोन, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड।
कौन भाई, क्या चाहिए? चंद्रकांत चौधरी किराड़ आप ही का नाम है? हाँ, क्यों? पूरा का पूरा आप ही का है? नहीं, चौधरी किराड़ थारी माँ का है, चंद्रकांत मेरा है। और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? कौन है तुम लोग? अब समझ आया कि राजपाल जी कविता, गजलें, पोएट्री किसको देख के लिखते हैं? किसको देख के? आपको, आपको। नहीं, नहीं, शादी हुई ना आपकी? 10 साल हो गए शादी को। 10 साल हो गए, फिर भी नूर टपक रहा है भाई। लेकिन कल को बच्चा अच्छा हो गया तो नूर तो कम हो जाएगा, समझ रहा है? 9 साल का बच्चा है हमारा। 9 साल? 9 साल का बच्चा आपका? हाँ। ये संतूर वाली मम्मी लगती हो आप। देखो, ऐड वाली? हाँ। बिल्कुल शाइनिंग कम ना आपकी बस। अच्छा हाँ, ये बताना तो भूल गए, राजपाल जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। देखो, ये डीओ करने के लिए, ये साथ में फूल है, ये हार्ट शेप वाला केक है, सारे गिफ्ट आपके लिए है। सर, चीन सबको आप साहब की तरफ से छोटा सा सॉरी समझिए। ये सब मारे लिए दिया जी? हमें क्यों देंगे? 10 साल में आज तक तो दिया नहीं। अरे पुलिस वाले ना, आने में टाइम लगता है, पूरा हरियाणा का बोझ है सर पे, बिजी रहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बताते नहीं है बस। इस बार आएंगे ना, प्यार से बात कीजिएगा, स्माइल करके। चलो जी, जैसे भी करके ना कानून अपने हाथ में ले लेना, ठीक है? बावड़ा हो गया, पूजा पूजा पूजा, देख के हाल हो गया तेरा, छोड़ कर नहीं देता उसका चक्कर। अरे पापा, ये फालतू का ज्ञान सुनन का मूड ना है। थोड़ा आस्ते से बात करो। हाँ हाँ बेटा। जाओ, ये नींद आ रही है मने। देखूंगा मैं भी, यो पूजा है कौन? यो पूजा एक बार मेरे हाथ लग जाना, मैं कहाँ रहेगी? चल उठ बे, गुजरा के जस्टिन बीबर। थोड़ा धीरे से बात करो, इनके कान का ऑपरेशन हुआ है। अंकल को बवासीर है? कान, कान। अरे कौन है भाई तुम दोनों? पूजा के भाई से जमा लगाएगा। तू ये बिगड़ायल जिद्दी टोटो। भाई साइलेंस, तू है बिगड़ायल जिद्दी टोटो। फालतू में नस काट ले, हैं? बताऊं तेरे को मैं? नहीं नहीं, मारना मत, मारना मत भाई साइलेंस, मारना मत, काट के जाएंगे तेरे को। ये क्या है, ये पूजा पुजारी बना फिर रहा है? भाई बच्चा है, बच्चे देखो, बच्चा है, देख छाती से ज्यादा बाल है इसके, तेरे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे औरतों के ना पति ना छेड़ पाते, तू साला छेड़ेगा? ये छेड़िया ना हूं, प्यार करू उसने, पूरा मोहल्ला प्यार करता है, सबसे शादी करा दूं मैं। माना बज्जात है, फोन पे गंदी गंदी बातें करती है, तू साला है तो अपनी सिस्टर। भाई साइलेंस, है तो अपनी सिस्टर। सीता मैया की कसम, पहले बहन कटेगी फिर कटेगा बहन का। What is this? Silence. भैंस की पूछ। अरे छोटे बल्दार, किंगे गुजारा? चॉकलेट लेने पापा। रे तेरी तो चॉकलेट बहुत खाता भाई। चल ले। मेरे पास तो है। रे तेरी, रे तेरे से बड़ा नोट किसने दे दिया तुझे? मम्मी ने। दो अंकल आए थे, उसके बाद से मम्मी बड़ी खुश है। एक। दो अंकल? कैसी लग रही है? अरे ऐसी लग रही है जैसे बियर की बोतल रखी रखी फूट गई हो। ये गिफ्ट कौन लाया? ऐसे बन रहा है जैसे पता ही नहीं है, हैं? दिया किसी ने? किसने? किसी जानने वाले ने। ओ तेरी, हमारी पीठ पीछे ही वो सब चल रहा, और कब से चल रहा है वो? हैं जी, जो गिफ्ट फट कैश में? कैसी बातें कर रहा? हाथ ना टाले मत ना। अरे आपने तो भेजा ये। अरे पुलिस वाले भी किसी को कुछ देने लगे तो काहे के पुलिस वाले? अच्छा एक मिनट, इसमें कलाकंदों का होगा क्लियर? मैंने ना भेजा, अरे पुलिस वाले के घर ही तिजोरियां टूट रही है, मैं पता भी ना। अरे तमीज से बात करो, ऐसा ना मैंने गुस्सा आ जाए। अरे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3-4 फीट के कर लेगी, के कर लेगी, के कर लेगी, के कर लेगा, के कर लेगी। एक तो गिफ्ट भिजवाया ऊपर से ना। अरे ले ले, पागल हो गया? मैंने रहनी नहीं तेरे साथ, रहनी नहीं, शहर की औलाद बड़ा।
रे पूजा से शादी करूंगा मैं। अरे पूजा डार्लिंग फोन उठाओ यार। हेलो हेलो पूजा पूजा हेलो 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 पूजा। अरे यार ना ये बोल रहे हैं ना ये बोल रहे दोनों कोई बोल ही नहीं रहे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तेरी नई मम्मी पूजा फोन नहीं उठा रही और कोई तेरे फोन पे फोन करे जा रहा हो। मैं देखता हूँ जाओ यहाँ से। पूजा 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 मैं लाउड बोल रहा हूँ। हाँ फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं नहा रही थी। अकेले? नहीं मैं ग्रुप में नहाती हूँ, पूरे मोहल्ले के साथ नहा रही थी। काश हम भी तुम्हारे मोहल्ले वाले होते। हो जाओगे। तो मिलने की बात कर रहे थे ना? हाँ कब कब? आज शाम 7 बजे। 6:30 बजे? अरे हम 6:30 बजे आएंगे तो राहुल पक्को है। पार्टी को 6:30 लव यू। लव यू लव यू, लव यू। ऐसा बोलोगी तो हम तो 5:45 बजे पहुंच जाएंगे। कर्मो। हाँ हाँ बेटा तेरी पूजा तेरी होने वाली मम्मी पूजा ने हमें बुलाया। बेटा बेटा चल मेरे साथ। तू मैं ना जा रहा हूं। तू अभी मुझसे नाराज है? रुको मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूं। अरे बेटा तू चलेगा ना मेरे साथ? चल तो मैं देता पापा। पहली बार जा रहे हो अपने से डबल उम्र के पति और हम उम्र बेटे को देखकर मम्मी रिश्ता ना तोड़ दे। अरे अकेले जाओ। बेटा तू कितना मेरा ध्यान रखता है। बेटा ऐसा बेटा बस बस इसको मैं पागल ना बनूं। जगजीत बधाई हो दादी। बधाई हो दादी। बधाई हो। बधाई हो। पैर पहना दादी। हाँ बधाई बेटा। तुम्हें भी बधाई। जी किस बात की बधाई? दादी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोड़ो इसे। जे पियो। यार दादी मैं पैक बनाता हूँ। बेटा तूने तो हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी। हाँ। हम लोग ना एक हाथ दो पेग लगा लिया करते थे जब बाबू था। हाँ। अरे बाबू सोना सिम कार्ड में अभी भी बैलेंस है। तेरे दादाजी का नाम बाबूलाल था। चाहे वैसे वाला बाबू। किस बात की बधाई? तू कुछ बोल रहा था बधाई? वो महेंद्र भैया की शादी तय हो गई ना। महेंद्र की शादी? वो है ना बताया किसी ने? आपको ना बताया? आप इस घर की नहीं पूरे शहर की सबसे पुरानी औरत हो, आपको तो बतानी चाहिए थे ना। अरे क्यों बताएगा भाई, सोचा होगा जब शादी होगी तब होगी, तब दादी होगी कि नहीं होगी ये किसको पता। ऊपर से एक प्लेट का खर्चा बचेगा वो अलग। ये दादी बिना दांत की कितना खा लेती। सही बोल रहा है। चाहे दादी किसी लड़की पर बोलना नहीं चाहिए लेकिन फोन पे सबसे ऐसी वैसी गंदी गंदी बातें करने वाली पूजा नाम की लड़की है। नाम पूजा और गंदी गंदी बातें। अरे दादी गंदी गंदी बातें फोन संबंध गंदी गंदी बातें। इतने आओ तुम्हारी कसम दादी 8-10 लौंडे उसके पीछे पड़े। अगर उस घर पे आ गई ना महेंद्र भी खुश दीपक भी खुश। दीपक क्यों खुश? अरे दादी जो 10 लड़के हैं ना उसमें से सबसे आगे वाला दीपक ही तो है। सोचो कैसी लड़की होगी, क्या चरित्र रहेगा उसका। दादी माँ ही हमारे घर में आके सेटल हो जाएगी, फिर आएगी वो लड़की इस घर में, आपका ख्याल रखेगी? नहीं रखेगी। इज्जत करेगी? घंटा नहीं करेगी। आधा घंटा नहीं करेगी दादी। आप आजकल अखबार में खबरें पढ़ रही हैं ना कि नई बहू ने पुरानी ददिया सास को 30 सेकंड के अंदर तकिए के नीचे दबोच के मार डाला, क्या होगा बताओ? दादी का चौथा क्या बकेरा है? पैग दादी पैग। अरे एक आधे में पानी तो डाल लेती। इतनी जल्दी ना मरूंगी मैं। सही बोल रही है। देखती हूँ मैं ये शादी कैसे होती है। बस दादी ये वो बना के रखियो। चलते काम हो गया। ए रखा। गुड इवनिंग सर। अरे सर बैठिए ना सर, प्लीज आप सीट सर बैठिए बैठिए बैठिए। जी जो सामने चल रहा हुआ है हाँ जी वो फरमाइशी प्रोग्राम भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा 100 रुपीज पर सॉन्ग सर। और गाने 3 बजे बजे तो? नहीं सर कम नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा
हमारा नाम जगजीत है। जगजीत सर, हम आए इशारे पे बजवाते रहना, ठीक है सर। और 200 रुपये रिटर्न कर देना प्लीज। हाँ उस्ताद जी, ये टेबल नंबर 10 ने दिया है। राहुल, होठों से कह दो तुम, मेरे इश्क में रंग भर दो। आप कौन बहन जी? पहचाना नहीं क्यों तू? ना पूजा। पूजा? और ये मेरी कुंवारी आपा आफरीन जी। सस्रीकाल। सस्रीकाल। हम हर धर्म को मानते हैं, अभी भी चर्च से आ रहे हैं। आप पूजा और जी आफरीन? देखिए, जिस धंधे में हम हैं, मतलब जो हम काम हम करते हैं, उसमें असली नाम बता नहीं सकते। हमारा असली नाम है जुबैदा मिसबाह शोएब अख्तरन मोइन खानम इंसमाम उल हकन। आपने इससे पहले बताई नहीं आपको? कैसे बताती मैं, आप खुद ही बताइए ना। अब आप भी तो राहुल के हिसाब से कुछ ज्यादा एजेड नहीं लगते। वैसे आपके यहाँ और कौन कौन है? हम ज्यादा नहीं, बस 8-10 भाई बहन हैं। बहने हैं रजिया सुल्ताना और भाई हैं अकबर बाबर दिलावर जोरावर पेशावर और कुतुब। एक आप शाहजहां नहीं है? हट, अब्बू को और भी तो काम होते हैं ना। मैन काम तो यही लग रहा है। वैसे आपके अब्बू करते क्या है? वो घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे काम करते हैं। आप लोग जितने भाई बहनों, लगता नहीं है आस पास कोई मेडिकल स्टोर। हमें मंजूर है। का मंजूर है? निकाह। राधे, अबू हज पे गए और वापस लौटते ही आपसे मिलेंगे। अगर आपके पैर छू लिए तो बुरा मत मानिएगा। पैर के छुए? आपसे 20 साल छोटे हैं ना। ए बेटर वाले भैया। जी सर। जाए बंद करवाए दो, जिम हो देख के गाय चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है। मेरे करो, टेबल नंबर 10 मना कर रहा है, बंद करो। बंद कर यार। जुबैदा जी। हाँ क्यों तो? हमें बहुत 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 जोर की पेशाब घर लग रही है। तो जाइए, इस उम्र में ना पत्थरी हो जाती है वहाँ पे। राधे राधे राधे, भागिएगा मत। खुदा हाफिज, लव यू। पूजा मम्मी कैसी है? हाँ दिखने में कैसी है मम्मी आंटी? पूजा अजान निकली। क्या? पूजा अजान निकली? हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद पहली बार हमारे जीवन में प्यार का फूल खिला। लेकिन पता नहीं किन मनहूसों की नजर लग गई, राहुल का प्यार अधूरा ही रह गया। पूजा मुसलमान निकली, बाको असली नाम जुबैदा बेगम जहारा और पता नहीं कहाँ कहाँ है भैया। क्या? हाँ उसके 8-10 भाई बहन। 8-10? अरे टाइम बताया होगा अंकल। टाइम बताया नहीं बेटा, टाइम हमारो खराब चल रहा है। जो शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रहे हो पापा, आजकल के जमाने में क्या हिंदू क्या मुसलमान। शाहरुख ने गौरी से नहीं की, आमिर ने किरण से नहीं की, सैफ ने करीना से नहीं की। अरे बिल्कुल की। सुरेश ने हमीदा से नहीं की। सुरेश कौन है? गोवर्धन पे गन्ने का जूस बेचता ना। अच्छा वो। ओ, ज्यादा क्यों दूर जा रहे हो आप, स्माइली को देख ले हो। जी सरदार मुसलमान है? नहीं नहीं, जाकी मंगेतर सकीना मुसलमान है। क्या मेरी मंगेतर मुसलमान? भूल गया? हाँ भूल गया, याद दिला याद दिला। अबे सकीना, तू बता दे आज पापा को कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी होने वाली मंगेतर मुसलमान। नहीं मैंने जरा भी प्रॉब्लम नहीं अंकल, वो मुसलमान की होंदे ने अदब प्यार मोहब्बत। लेकिन बेटा मुसलमान के साथ शादी कोई प्रॉब्लम? सही कह रहे हो, थोड़ी प्रॉब्लम तो है। क्या 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 प्रॉब्लम है बे? तू कैसी बातें कर रहा है यार, मेरे जब बच्चे होंगे मैं उनका नाम क्या रखूंगा? रजिया चड्डा हरप्रीत हुसैन हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते घूमेंगे। कैसा लगा अंकल बताओ, कैसा लगेगा आपको? बात तो सही है। क्या सही बात है, कोई अपनी भैया के पेट से सरनेम लेकर पैदा नहीं होता है। क्या कहेंगे, बधाई हो लड़का शर्मा हुआ है, लड़की शुक्ला भाई है। क्या अग्रवाल क्या अंसारी, प्यार प्यार होता है पापा। बात तुझे भी सही। मान गए मान गए, अगर बैसाखी और ईद एक दिन पड़ गई तो मैं पहले क्या खाऊंगा, राजमा चावल या बकरा? बात तुझे भी सही है। बकरे को राजमा चावल खिला के बकरा खा लियो। राधे राधे, का बकरा हुआ? ईद पे लाखों बकरे कटते हैं पापा, एक अपने घर में कट जाएगा क्या चला जाएगा आपका, सोच लियो।
चलती बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी जैनिज्म प्यार से ऊपर है, मत करो शादी, रहन दो। जे का बात होती है? अरे अम्मा चिता जा रही है। दादी कहाँ जा रही हो? हट पीछे। अरे रुको, चुप भी बैठो। मैं भैया से बात करती हूँ ना। मैं अब इस घर में ना रहूंगी, जल्दी पक। कहाँ जा रही हो? लो आई गो, खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने वाला। जी क्या बात बोल रही है दादी? यहाँ मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही है, आप क्या कर रहे हो? कौन पूजा, क्या कॉलिंग, क्या गंदी गंदी बातें? क्या गंदी गंदी बात? ऐसी लड़की अगर इस घर में रहे तो मैं ना रहूं। जल्दी पक। रुक दे, पक। पहले पक्का करो क्या करना है। पक्का कर लियो, पूजा से प्यार करते हैं और फोन पे ऐसे बात करने वाली हर लड़की गंदी ना होते माही। उसने हमारी और हमने उसके दिल की बात सुनी है, शायद कोई जरूरत हो, कोई मजबूरी हो, इसलिए फोन पे ऐसे बात करती है। तू तो समझा माही। प्यार करते हो उससे? पक्की बात? दादी भैया प्यार करते हैं तो मिल लो लड़की से। चलो मिलना नहीं है तो फोन पे बात ही कर लो, सीधा घर छोड़ने की क्या बात है? पापा ही महेंद्र पे भरोसा रख दादी, मैं कभी कुछ गलत करूंगा? हाँ ठीक, फिर भी तुझे लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो तू रुक, मैं जा रहा हूँ। रुक महेंद्र, मेरा सामान है। हाँ तो ठीक है, रख अपना सामान। ये सच्चा प्यार है दादी, तुम नहीं समझोगी। राधे राधे। भैया वापस आओ। बोलो। अब मान जाओ दादी, मान जाओ। प्यार करते हो उस लड़की से? तुम्हारी कसम दादी। वैसे भैया अब गाय भैंस दूध दही करते करते समझदार हो गए हो। अच्छा फोन लगाओ ना भाभी को। नहीं मुझे शर्म आ रही है। अरे लगाओ ना भैया। रंदे अब तो लग गए हो। ये देखो रफी की रफ कॉपी, जब देखो गाना शुरू कर देता है। हेलो। हाँ पूजा जी, हमारी दादी बात करेंगे। दादी? बहू? पैकल कहूँ दादी? हैं? अरे मतलब पाय 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 लाखों दादी। हाँ जीती रे बेटी, क्या कर रही हो? बस पौधन में पानी डाल रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ दादी मेरी बात कराओ। हाँ बेटा। हेलो भाभी, माही बोल रही हूँ। हाय। हाँ आपके ननद। हाय। भैया ने दादी को सारी बातें बता दी और दादी शादी के लिए मान गई है। अरे पूजा बेटी, अपने पौधों में पानी डाल लियो तो पापा के पौधों में भी डाल दो पानी। बेटी घर में सबने अपने अपने पौधे लगा रखे हैं क्या? हाँ चलो बाद में बात करती हूँ भाई, पापा बुला रहे हैं। ओके बाय। जाओ पापा के पौधों के लिए पानी लेके आओ। साला महेंद्र ने सब बता दिया। वैसे दादी भाभी के बारे में सारी गंदी बातें बताई किसने आपको? हाँ बस वही तो नहीं याद आ रहा, कौन हरामखोर बता के गया। क्या हो भाई? पानी पानी। यार पापा भी कितनी अलग चीज बनाई ना ऊपर वाले ने। तेरे पापा तो कुछ ज्यादा ही अलग है। कभी कभी सोचता हूं कि सारी जिंदगी पापा ने अकेले कैसे काट ली मम्मी के बिना, और एक साले हम हैं, जरा सी टेंशन होती है शराब उठा लेंगे। अच्छे आदमी सिगरेट ना शराब, जिंदगी में प्रॉब्लम होती भी होगी ना, आज तक हमें नहीं बताई। ऊपर से ज्यादा ही हर्ट कर दिया मैंने उन्हें। सही कह रहा भाई, भले ही तेरे से ज्यादा मुझे डांटा हो, आज तक इनकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा, कसम से। माफी मांग लेंगे यार। उठे हट। समझ
और जोर लगा। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। पापा आप जगजीत सिंह से सीधा मेहंदी हसन मोहब्बत में जे अंजाम तक पहुंचा दो। दुकान के बोर्ड के साथ साथ पुश्तैनी दुकान ही बदल दे। जिंदगी में अब तो बाहर आई है, अब मौत का बदबूदार सामान नहीं बल्कि खुशबूदार मोहब्बत बेचेंगे तुम्हारे अब्बा। अब्बा कौन? हम बेटा, हम तुम्हारे अब्बा, हम बारात। तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी और हम बदल गए। इस बदलाव में सबसे बड़ा हाथ है जा मियां इस्माइल को। इस्माइल? नहीं नहीं अंकल, स्माइली। ई काट दो, इसीलिए इस्माइल। पापा जे जे लिपाई पताई क्यों कराई है? दिवाली पे तो कराई थी, अभी अब अपनी ईद भी तो आ रही है ना बेटा। अपनी? तुम ही कह रहे थे ना कि ईद पे लाखों बकरे कटते हैं, तो एक और कट गओ तो का है जाओ है? देखो सामने देख रहे, कुर्बानी के बकरी के लिए हमने भापे खूंटा ठकवा लो। बेटा इस बार ईद पे तुम सकीना को लेके आना। बिल्कुल। वो कौन है? तुम्हारी मंगेतर। मंगेतर सकीना? नहीं अंकल, वो तो बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? वो हज पे गई है ना पटियाले। हज पे पटियाले? मेरा मतलब पटियाले में उसके खाला खाली रहते हैं, तो इसलिए वहां गई और वहीं से हज। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अंकल आप उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं? जाहिल, ये उर्दू नहीं है, उर्दू। उर्दू, और उर्दू बहुत ही नफीस बढ़िया आला दर्जे की सीरी जबान होती है। और सुनो, शायर ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा और सफर एक उम्र को तमाम काम कर लोगो, और नजर मिलाई तो पूछूंगा इसको अंजाम, और नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लोगो। अच्छा अच्छा, समझ नहीं अंकल। हमें कहा समझ में आई, ईंटे क्यों मंगवा रखी हैं आपने? अब बेटा अब हम शाहजहां तो है नहीं कि ताजमहल खड़ा करवा दे, और तुम्हारी होने वाली अम्मी के 8-10 भाई बहन है, तो हमने उन 8-10 के लिए वहाँ 4 ऊपर मकबरे बनवा रहे हैं। कमरे कमरे। हाँ वही वही। आओ मियाँ इस्माइल, तुम्हें दीदार करवाते। अबे देखो देखो देखो, जहाँ हो रही है कमरों की ताबीर है, जहाँ कमरे बन रहे हैं। क्या बात है, जहाँ पे हमारा कुनबा रहेगा हम रहेंगे, और रहेगी हमारी बेगम। क्या हुआ अंकल, ठीक हो? दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, अचानक सटक के याद आ जाती है। बड़ी कातिलाना जालिम आवाज है। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी हम ये कहना चाह रहे थे कि हमें तुम्हारा और अपना रिश्ता कबूल है। तो एक काम करो, अपने अब्बू को फौरन भेजो निकाह की तारीख मुकर्रर करने के लिए। जी अब्बू हद कर रहे हैं। हद कर रहे हैं कि हज कर रहे हैं? नहीं, मेरे वाले हद ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जब लौट के आ जाए तब भेज दो। हमारे साथ तुम्हारे बेटे को खास अजीज दोस्त है मियाँ इस्माइल, बच्चे जैसा है। सलाम। हेलो मम्मी आंटी जी। सलाम। अबे फोन रख, जगजीत पागल है को है। हाँ भाई, जिस तरह अंकल में चेंजेस आ रहे हैं ना, एक दिन चिड़िया दिखाई तेरा कौवा ना उड़ा दे। देख के काट। सर टाइम इतना खराब चल रहा है ना, कुत्ता भी भौंकता है, ऐसा लगता है एडवाइस दे रहा है। भाई पता है भाई, लोग उड़ते तीर के सामने आते हैं, तू तो उड़ते भाले के सामने आया है। तेरे मैन ये तो फुल निकाह के मूड में, बता रहा हूँ। इसकी कमी थी रोमा। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? क्या बात है, आज बहुत अच्छा मूड लग रहा है। हाँ, मेरे पास गुड न्यूज है दीदी। गुड न्यूज? हाँ, मेरी शादी हो रही है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से। व्हाट? ये तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है, बट नॉट फॉर मी। लिसन साइन, तुम्हें पता है ना ये सारे मर्द एक नंबर के कुत्ते होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा अनुराग कुत्ता नहीं है। इस मूज भी माथे पे करते हैं। शुरू में ना ये सारे मत शरीफ होते हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी जिंदगी खराब करे। पूछा तुम मुझसे मिलो ना मिलो, मैं तुम्हारे अनुराग से जरूर मिलना चाहूंगी। पर मिलने की क्या जरूरत है, मैं अभी फोन पे बात कराती हूँ। अनु बेबी। हाँ पूजा। नहीं, फोन पे नहीं, फोन पे न जाने क्यों मुझे सबकी आवाज अच्छी लग जाती है। मुझसे बोलो कल मिलना है।
टाइम और जगह मैं बताती हूँ। और सुनो, पॉसिबल होगा तो तुम भी आ जाना। बात तो सुन ले, पूजा के बॉयफ्रेंड को मिलने बुलाया। अरे हैप्पी बर्थडे। एक तो औरत, दूसरी एक्सपीरियंस, तीसरी न्यूज वाली, चौथी दिमाग वाली। भाई कहाँ से लाएगा पूजा का बॉयफ्रेंड? ऑनलाइन लग गए भाई, लग गए। तो कहाँ मिले थे पूजा से पहली बार? पहले तो फोन पे बात होती थी, फिर वो आवाज पसंद आ गई। उसकी आवाज है ही ऐसी? नहीं नहीं, उसे हमारी आवाज पसंद आ गई। और किसने किसको प्रपोज किया? जैसे हमारी शक्ल है उसी ने कर दिया। उसे बताना मत प्लीज। हाँ सॉरी, तुम तो अपनी शराफत का ही शो ऑफ करने आए हो ना यहाँ पे। ओह नो, आई डोंट ड्रिंक, आई नेवर स्मोक्ड। चल जीरा मंगा दूँ। डीएम कूल शिट। मैं शरीफ हूँ या नहीं इसका अंदाजा आप मेरे सिगरेट शराब पीने से लगाएंगे? इस हिसाब से तो आप बहुत ही बिगड़ी हुई हैं। सिगरेट शराब पीना बुरी आदत हो सकती है, बुरा कैरेक्टर नहीं, समझे मैडम? से बात कर रहा है? Is this a way you talk to a woman? तो देख अभी मैं पूजा को फोन मिलाती हूँ। रुकिए, लगाइए। मैं तो लगा ही रही हूँ ना, फिर समझ में आ जाएगा। कैसा लगा मेरा अनुराग? थोड़ा भड़क भी जाए तो गुस्सा मत करना, गुस्से में भी क्यूट लगता है। मैं जानती थी, I knew it, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। I'm so lucky. मुझे हो गया। दुनिया में हर कोई गलत है और सही वो है जो कम गलत है। और हाँ, आपकी विस्की और लेबल मुझे आपसे बहुत बड़ा लगा। और एक बात पल्ले बांध लो, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा और उसको सब कुछ दूंगा। ओके? राधे राधे। ये दीदी कौन है? तुम्हारे मतलब का माहौल ना है यहाँ पर। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खरीदारी कर रहा हूँ। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शॉपिंग कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो मीटिंग के लिए आया था। चलो चलते हैं। ओह माय गॉड, तो तुम हो पूजा? हाय रोमा। मैं पूजा नहीं हूँ, मैं माही हूँ, इनकी होने वाली वाइफ। व्हाट? साले टू टाइमिंग कर रहा है साले। या तो तू पूजा को धोखा दे रहा है या इसे। पी रखी इसने। चल चल चल। एक सेकंड। पी रखी तो क्या कुछ भी बोलेगी? क्या मतलब है आपका? अरे ये फ्रॉड आदमी है, चीटर एक नंबर का। अभी ना मुझसे पूजा का बॉयफ्रेंड बनके मिलने आया था। दीदी आप किस पूजा की बात कर रही हैं? अरे है यार मेरी एक फोन वाली फ्रेंड। फोन वाली पूजा? उनसे तो हम प्यार करते हैं माही। अरे लेकिन पूजा ने तो मुझे बोला कि वो अनुराग से प्यार करती है। अच्छा, अब जी अनुराग कौन है? अबे ये अनुराग। लो उनने भांग भी रखी है। आपको गलत फहमी हुई है, ये अनुराग नहीं है, ये करम है। हाँ ये कोई करम वरम नहीं है, यही अनुराग है। झूठ बोल रही है, झूठ झूठ बोल रही है माही। चलो ना तुम। अगर ये झूठ बोल रही है करम, तो तुम सच बता दो। वो बहुत लंबी कहानी माही, मैं आराम से बात करता हूँ। नहीं अभी बताओ करम। बताओ ना करम, इसके सामने क्लियर करो। तुम झूठ बोल रहे हो करम। रोमा, पूजा, क्या नाम है? माही, सुनो तो। जीजा जीजू, ये बहुत गलत करो तने। भाई बहन की माँ बहन कर दी। हट तू, हट साइड प्लीज। माई बात सुनो, मैं बैग ले कहाँ जा रही हूँ? बात तो सुनो माई, प्लीज प्लीज समझाने का मौका दो एक बार प्लीज माई, प्लीज। अरे राम राम भाई, दिमाग खराब ना कर, साइड हो पहले दिमाग खराब रखा। हाँ दिमाग खराब मत कर, मेरा तो हो रखा, तो अपना क्यों कर रहा छोटे भाई? दीदी सच सच बताओ, पूजा को आप कैसे जानती हैं? मैं प्यार करती हूँ मैं पूजा से। ऐसे कैसे प्यार करती हैं? हम प्यार करते हैं पूजा से। दीदी साले क्या तुमसे दीदी दीदी लगा रखा है? उस दिन तो घड़ा कट रहा था, आज घड़ा सॉफ्ट हो गया। सॉफ्टी रे क्यों बोल रहा था? काटेगा रे, मारो रे। रुक तुम मुझे मारो, वहां मेरी बहन पूजा का पति उससे मार रहा है, तुम मुझे मार लो। पूजा का पति? हाँ, बहुत परेशान कर रखा।
आपने पूछा शादीशुदा है कभी बतलाया ना मैंने? किस मुंह से बताती, क्या बताती, हर घंटे दहेज मांगता है वो। बचा लो जीजू प्लीज। जीजू? हाँ। आज से तुम्हारा साड़ा है, तू टेंशन ना ले। गुज्जर किस तरह कुट्टे है ना, लाइफ दिखाता हूँ तने, तेरे जीजू का वादा है। चल भाई चलो चलो। हमारी पूजा को मारता है साड़ा। ऑटो ओ पैन मेरे पास तो अपनी बुलेट है। भाई अबे साथ चला, पीछा कर रहे, रेस ना लगा रहे। एक मिनट, अब मान लो। अरे बता तो क्यों मार रहे हो? अरे मार के मैं, अरे बता के तो मारो। जा जी दीदी, बचा लो। घबराने की जरूरत ना है, ये आ गया हूँ मैं। भाई भाई रुको तो, भाई मेरी बात सुनो। अबे आवाज कम कर, ये क्लियर में लिया भाई साहब, कम आवाज नहीं इतनी तेज जाता है तो बंद कर। भाई सुनो तो, भाई रुको, एक बार मेरी बात सुन लियो प्लीज। क्या सुनो मैं करम? और है कौन तू? अरे मैं टोटो, फोन पे तेरे प्यार करूं। ये देख तेरा नाम कटा है, टू भी बना लिया है, PUJJA। अबे मेरा नाम ना रोमा है, और ये स्पेलिंग गलत है पूजा की। अरे पर प्यार तो गलत ना हो सके ना। अगर किसी और से प्यार करते तो मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? भाई मैं पूजा से नहीं, सिर्फ तुम्हारी से प्यार करता हूँ। तो ये बात उस लड़की के सामने तो नहीं बोल पाए तुम करो? क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में करो? अभी झूठी बोल रहे हो। अबे क्या कंफ्यूजन है, हैं? तू बोल रहा है तू प्यार करता है पूजा से, वो प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ। और कौन है ये पूजा? सब पूजा 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 क्यों कर रहे हैं? ओह गॉड, तुम्हें क्या लगता है मेरा पूजा से अफेयर है? हाँ लगता है मुझे। अब भाई भाई रुको तो। बट मैंने एक बात समझ में ना आई, फोन पे तो तारी आवाज एकदम मिट्टी मिट्टी सुनाई देती है, या गणी मोटी मोटी लग रही है। मेरी आवाज मोटी लग रही है तुझे? नहीं बोला ना मैंने यूं पूछा। बचा लो रे, पकड़ो। अरे भाई यहाँ से पकड़ो भाई, चल पकड़। सुरेश क्या है ये पूजा का चक्कर? अबे सरपंच स्पीड बढ़ा। हेलो पूजा, तुम्हारा अनुराग में साला एक नंबर का फ्रॉड निकला। अबे कीड़े पड़े तुझे, लोगों का घर तोड़वाती है, दारूबाज औरत, फोन रख। ये किसे कॉल लग गया? वही, एक बात सुन लो। नहीं करो। अच्छा तो सुनो, सच सुनो। हाँ मैं पूजा से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक हैं, एक जिस्म एक जान। ओके भैया ऑटो रोको। अबे तू भी रोक ले, तू भी रोक ले भाई। क्या कहा तुमने? आई लव यू। एक जिस्म और एक जान है मैं और पूजा। पूजा है इतनी अच्छी, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारे भाई महेंद्र के साथ साथ तुम्हारे ससुर भी उससे बहुत ही प्यार करते हैं। क्या? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बस तीन बार कह देने से निकाह हो जाता है। एक दफा जोर से कह दे तू। अब क्या पूरे शहर को सुनाओगे? सारा जोर निकाह पे लगा दोगे तो सुहागरात में क्या झुनझुना बजाओगे? ये पायल, पंखुड़ी, ज्योति, यास्मीन, पूजा कहाँ है करम? पूजा भी है कहाँ? करम करम करम। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, प्लीज। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। करम ही पूजा है, वो पूजा जो करम के बिना रह नहीं सकती, और करम तुम्हारे बिना। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नौकरी, सर पे लोन थे। इस पूजा से तुम मुझे भी प्यार हो गए। ए पूजा बेबी, कौन जो बिगड़ी हुई, समथिंग समथिंग समथिंग। ये माही है, मेरी होने वाली वाइफ। ओ पूजा को देखने आई थी। तूने सब कुछ बता दिया? आप यही तो चाहते थे?
ये डब्लू जी ये कॉल सेंटर चलाते हैं, जिंदगी में सारथी बन के आए थे, पता नहीं कब स्वार्थी बन गए। धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो पूरे मोहल्ले के सामने आरती उतारेंगे मेरी। कितने घटिया आदमी हो। आरती आपको सिर्फ इस पूजा की नहीं, यहाँ काम करी हर उस पूजा की उतारनी चाहिए जिनकी वजह से आपका घर चलता है। इनके बिना क्या औकात है आपकी? बातें तो तू इससे भी अच्छी करती है, तेरे सर पर कोई लोन हो तो बता दे, उतार देते। तेरी तो भूल ना मत डब्लू जी, पूजा एक मर्द है। अरे पूजा टू, करम करम कहाँ चुप बैठो है? अरे हरो घर, लगता गलत घर में आ गयो। अरे मियां महेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, और सब खैरियत? पहचाने नहीं हमें? अरे हम जगजीत अंकल, चाचा जगजीत। अरे राधे राधे अंकल। वालेकुम सलाम। तुम्हारी जी हालत? हमारी हालत छोड़, तुम्हारी जहालत कैसे? कुछ नहीं अंकल, झगड़ा करके आ रहे हैं। बेटा ऐसे झगड़ा नहीं, पिटाई कहते। हाँ भाई भाई, कहा होगा अंकल, हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। कहा होगा? कहा आप इतने शरीफ, और कहा आपका बेटा करम? करम ने कहा कर दो अंकल, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसी के पीछे पड़ो है। कहा? माही के अलावा भी उसकी जिंदगी में कोई छोरी है? जी अंकल। को? उसका नाम पूजा है। कौन पूजा? वही अंकल जिससे फोन पे बात करते करते पता नहीं कब प्यार हुआ। फोन वाली पूजा? हाँ हमारी पूजा। मतलब हमारो बेटो करम अपनी होवे वाली मम्मी से इस कर रहा है? होवे वाली मम्मी? क्या बक रहे हो अंकल? हम बक नहीं रहे, उससे तो हम इस कर रहे हैं, प्यार में डूबे हुए बेटा। और बाको नाम पूजा नहीं है बेटा, बाको नाम जुबैदा है। राधे राधे, कितो बेशरम खानदान है। बेशरम की? बेटा तो बेटा, बाप भी। अरे ओ महेंद्र, अंकल अंकल इन कुटुंबों को। ओ भैया कौन हो तुम? अरे आपके निकाह की तारीख पक्की भी नहीं हुई कि आपके दूर के भतीजे भांजे भी आन तब के। अरे ओ चचा, भतीजा बाण जाना हूँ, पूजा का होने वाला पति हूँ मैं। या अल्लाह, ये कैसी औरत है जिसने मर्दों की हर वैरायटी को फंसा रखा है, एक मैं ही रह गया। ए मौलाना, मेरा जीना खोलाना। अबे जा, पूजा से हमारी हमारी। अरे लोमड़ी के, अरे मेरे और पूजा के बीच कोई आया है ना तो काट के रख दूंगा। अरे बालक, जुबैदा हमारी है। कौन जुबैदा? मुझे जाने दो। अरे तुम बैठो। अरे मुझे पेशाब आई है। अरे आने दो, तुम बैठो ना। अब तुम कहां से टपक पड़े, कौन हो? जी मैं वो शादी के लिए। शादी लो, एक और आ गया। अरे भाई मैं अपने पेशाब को तो किसी तरह रोक लूंगा, लेकिन कोई उस औरत को रोके? हमारे यहाँ ईद में इतनी सेवई नहीं बची है जितनी कि वो औरत बच गई है। अरे शादी मतलब करम भैया ने डीजे के एडवांस के लिए बुलाया था। अबे डीजे का इसके जनाजे में बजाएगा? अबे क्या बकवास, एडवांस? अरे चल जा, अरे गुंडो मार। अंकल जहाँ से तो निपट लो, अब तुम्हारे बेटे को मैं देख लूंगा। नहीं, हमारे बेटे को तुम छुओगे भी नहीं, हमारे बेटे से हम निपटेंगे। उसने बाप के साथ दगा किया है और खुद रासलीला रचा रहा है, खुद रासलीला रचा, छोड़ोगे नहीं, अल्लाह की कसम छोड़ोगे नहीं, बाप के साथ धोखा किया माने। भाई ये पूजा बनना, ये कॉल सेंटर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? किसी से सुना था, दुनिया में हर कोई गलत है, सही वो है जो कम गलत है। अब ये सब मत सोचो, आज कृष्ण लीला है ना, मैं भी तो देखूं मेरा कृष्ण राधा बन के कैसा लगता है। भागो रे, चलो निकलो साहब, निकलो साहब, निकलो साहब, हो गया बहुत, निकलो। और तू बंद करियो नाटक, बंद कर। ए, हाथ कैसे लगाया हमारे करम भैया को, भाई राधा को? अबे जिस राधा को इतना सम्मान दे रहे हो ना तुम लोग, ये राधा उसके लायक नहीं है। साढ़े राधा नहीं बना होता ना, जमीन खोद के गाड़ देता तुझे अभी। एक मिनट, पहले आप ये बताइए इन्होंने किया क्या है? मर्डर किया। मर्डर? हाँ, मारी पूजा का मर्डर।
और ये बात आपको इस आदमी ने बताई होगी, करम पूजा का मर्डर कर ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ वूट ना है, इसने मारिया है पूजा ने, यो मने धमकाने हॉस्पिटल भी आया था, तब इसने कहा था कि ये पूजा को काट देगा। शांत, कैद में है जिंदगी, चल आजाद हो जा, मोहब्बत में चल बर्बाद हो जा, तेरी शहद सी आवाज को कानों से चख लूं, तुम्हारे इश्क का मीठा स्वाद हो जा। तू कैसे जानता है वो शायरी, या तो मैं जानूं या पूजा जाने है। मैं भी जानता हूं पूजा को, बहुत अच्छी थी वो। ना भागूंगो, पूजा से तो मैं भी बहुत प्यार करता था, तो फिर मारा क्यों उसे? जो पैदा कर सकता है वो मार भी सकता है। हर किसी की जिंदगी में रंग भरने वाली, लोगों का अकेलापन दूर करने वाली पूजा को तो एक दिन मरना ही था। लोगों को अपना बना लेती थी वो। जब पूजा कहती थी, हेलो मैं पूजा बोल रही हूं, मैं पूजा, जब लोगों से बात की तो पता चला कि दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं। जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हजारों दोस्त बना रखे तुमने, जो असल जिंदगी में एक सच्चा दोस्त है तुम्हारा, जो तुम्हारी बात सुन सके, समझ सके, जो अकेलापन इतना बढ़ गया है कि आज की डेट में कोई फैमिली फोटो लेता ही नहीं, सब सेल्फी के पीछे पड़े, और इन जैसे अकेले लोगों के लिए आई थी ये पूजा। लोगों से बात करते करते धीरे धीरे समझ में आई बात कि दुनिया के हर इंसान को एक पूजा की जरूरत है, और पूजा कोई जेंडर नहीं है। घर में माँ बाप, भाई बहन, चाचा, मामा, बीवी, कोई भी तुम्हारी पूजा हो सकता है, जिसे तुम अपने दिल की बात कह सको, जो तुम्हें ये एहसास दिला सके कि तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारी पूजा मिल गई ना, उस दिन अपनी फीलिंग कहने के लिए किसी फोन वाली पूजा की जरूरत नहीं है। सच जान गया आपसे पूजा का, अब इस WG के झूठ का सच क्या है? भाई वो तो अब यो ही बतावेगा कि पूजा कहाँ है। तो बताया तो सही, मार दिया होगा इसने उसको। हटाओ, छोड़ो, चलो, ये है असली पूजा। बताओ, अरे बताओ सच क्या है? मैं ही पूजा हूँ, और मुझे WG ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। हमारी बगल में खड़ा होके हमारा ही काटना, पकड़ो ना, पकड़ो साला ने। चले यार, एक बात बता, तू ही पूछ जाए। हाँ कर लो शादी, भर दो मेरी मांग। राजपाल किराड़, बीवी छोटी है, अरे तुम्हारी शादी होगी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, घर में रोमांच ना है, झगड़े होते हैं, रात रात भर ड्यूटी पर हो गए, रोमांच का घंटा होगा। भोले भंडारी महेंद्र और रफी कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर बात तो सुनो, शादी कर लो शादी। नहीं नहीं नहीं, गाना गा के लड़कियां फंसा रहे थे। नहीं नहीं, सब गाने से लड़कियां फंसती ना, दुनिया के सभी सिंगरों का ध्यान गाने की जगह बजाने पे होता। गलती हो गई, निकल लो गलती हो गई। ए टोटो कहाँ जा रहा है? तू सा है, तू साड़ी के कार्ड पे लिखा होता ना मेरे टाटू टाटी की साड़ी पे जुलूल जुलूल आना, जिस बच्चे के लिए लिखा होता ना, तो उससे भी छोटा है, नाबालिग। मैडम मर्द जात से विश्वास उड़ गया आपका, तीन केले क्या खराब निकले, पूरे बागीचे बुलडोजर फरा देंगे आप। शर्म आनी चाहिए, आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम हमारे मासूम से बेटे के दीवाने हो गए। जाहिल वो चाचा
हाँ बेटा, पापा उर्फ राहुल उर्फ जगजीत उर्फ मेहंदी हसन, माला की उम्र में वरमाला के सपने देख रहे हो? बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, खुदा पाक के पाकी जलवों की कसम, हमें कतई इलम नहीं था कि हमारी जश्न बारात में नाचने वाला लौंडा ही हमारी बेगम बन जाएगा। वाह बेगम, जश्न बारात, इल्म। 3 साल से इस आदमी को कंप्यूटर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आई। लड़की के पीछे 3 दिन में उर्दू सीख गया? हाँ और क्या, क्लीन मथुरा का ग्रीन मथुरा बना दिया इस आदमी ने। हाँ तो कर लो शादी, निकल लो शादी, कौन करेगा शादी? किरार साहब शादी कर लो शादी, कर लो शादी, कर लो, पहना दो मंगलसूत्र, मैडम कर लो शादी, शादी कर लो। किसको करनी है शादी? मैं करूंगी। हम तो कब से कह रहे हैं कर लो शादी,